हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? दिस इज़ मी शिवेंद्र मिश्रा, आपका अपना सीनियर फिजिक्स फैकल्टी ऑफ न्यूक्लियर एजुकेशन कोटा राजस्थान। और हम आपको पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं और आपको पढ़ा रहे हैं एक शानदार सी फिजिक्स, और कोशिश है एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए उसी सीक्वेंस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, आपको बहुत शानदार सी कंटेंट, बहुत शानदार सी फिजिक्स हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल टी डॉट मी शिव फिजिक्स मेरा टेलीग्राम चैनल है, और टी डॉट मी अन अकेडमी सुपर जी ये टेलीग्राम चैनल अन अकेडमी का है मेरे प्यारे बच्चों। इसके जुड़ने के लिए आप चाहे सारे अपडेट्स जो हैं वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, इससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट है। बच्चों, अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास दो मोड हैं, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। आप प्लस और आइकॉनिक में से कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, इनका स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाता है, इन सबका अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। साथ ही साथ आइकॉनिक में अगर मैं बात करें तो आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, स्टडी प्लानर मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस मिल जाती हैं। तो आइकॉनिक में आपको पर्सनल टच मिलेगा, प्लस में आपको एक्सेस सभी चीज़ों का मिलेगा, और सारे के सारे टॉप एजुकेटर ऑफ द कोटा आपको यहाँ पढ़ा रहे होंगे। प्लस में कोर्सेज जेई के लिए भी अवेलेबल हैं, नीट के लिए भी अवेलेबल हैं, ओलंपियाड्स के लिए भी अवेलेबल हैं, यूपीएससी के लिए भी अवेलेबल हैं। तो सारे के सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर आप जिस भी कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। आईडीजे के अगर सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो सब्सक्रिप्शन अगर आप SM11 कोर्स से लेंगे प्यारे बच्चों, सब्सक्रिप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, दैट इज 90,000 रुपीज़ फॉर 24 मंथ, एंड 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन 59,399 रुपीज़ का है। ये आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। SM11 कोर्स से प्यारे बच्चों आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको मेरी मेंटोरशिप भी मिल जाएगी, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ये बैचेस अक्टूबर में आए हुए हैं। T20 टेस्ट सीरीज चल रही है बच्चों, तो बिना रुके झुके आप इसके साथ इनरोल करिए। इनरोल करने के लिए मेरा कोड SM11 ज़रूर यूज़ करें। ये अन अकेडमी चैंपियंस हैं जो आए थे, अगर आप भी इन चैम्पियन की लिस्ट में आना चाहते हैं तो डेफिनेटली इनको ज़रूर यूज़ करें। अगर आपने अन अकेडमी से पढ़ाई की है, आपका अपडेट नहीं है इस लिस्ट में, तो आप अपना फॉर्म भर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, आपको आपका भी फोटो आ जाएगा। आपकी रेस के लिए जेई 2022 के टॉप रैंकर्स के लिए अगर आप करते हैं तो चैम्प्स 2.0 फ्री टेस्ट एंड गेट एन एक्सक्लूसिव स्टडी ग्रुप एंड मेंटर सेशन विद द टॉप एजुकेटर, बिकम अ पार्ट ऑफ द डेडिकेटेड लीडरशिप बैच और प्रिपेयर द क्यूरेटेड क्वेश्चंस। तो बिना किसी इसके आप अन अकेडमी चैम्प का एग्जाम दीजिए और अपनी रेस को आगे बढ़ाइए। एग्जाम का पैटर्न जो है वो जेई मेन पैटर्न रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। आस्किंग डाउट इज नाउ रिवॉर्डिंग, आप डाउट पूछिए और अवार्ड जीतिए, जिसके थ्रू आप अमेजन ने गिफ्ट वाउचर्स जीत सकते हैं। तो अगेन, अब पूछना आपके लिए बेटर हो गया है, तो मज़ा आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है। तो जल्दी से रिकॉर्डिंग्स, जल्दी से डाउट्स जितने भी हैं वो आप ज़रूर पूछें, और काफ़ी बेहतर तरीके से आप डाउट पूछेंगे तो अनडाउटेडली आपको भी मज़ा आएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्प्रिंग हमें हमारे कोर्सेज में कहाँ कहाँ पर अलग 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 तरीके के क्वेश्चन से पूछी जाती है। स्प्रिंग सामान्यतः एक मेटल का स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होता है। स्प्रिंग इज नथिंग बट अ स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर ऑफ अ मेटल। इसके इस स्पाइरल शेप के कारण, ड्यू टू इट्स स्पाइरल शेप, इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और ओरिजिनल शेप। रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन और शेप। तो जब भी स्प्रिंग को डिस्टॉर्ट किया जाता है, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है उसको अपने शेप से बदला जाता है। बदलने के दो तरीके हैं। स्प्रिंग को या तो इलोंगेट किया जाएगा, इधर स्प्रिंग गेट इलोंगेटेड, स्प्रिंग की लंबाई यहां पर एल थी, स्प्रिंग को खींच के कुछ एल प्लस एक्स कर दिया गया, या फिर उसको कुछ कंप्रेस कर दिया जाए, स्प्रिंग गेट कंप्रेस्ड। इन दीज कंडीशन, इन दोनों ही कंडीशन में स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप को पाने की कोशिश करती है, अपने कोई पोजिशन में वापस आने की कोशिश करती है,
और अपनी पोजीशन पे वापस आने के लिए ये एक रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करती है। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपनी मेन पोजीशन पे वापस आने के लिए लगेगा। तो जब इलॉन्गेटेड है तो अंदर की तरफ, और जब कंप्रेस्ड है तो फोर्स ऑफ द स्प्रिंग बाहर की तरफ लगेगा, ताकि अपनी पोजीशन को वापस से रिगेन कर सके। तो फोर्स ऑफ द स्प्रिंग इज सिंपली डिफाइंड एज, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बोला जाए तो इट इज सिंपली डिफाइंड एज माइनस का के एक्स, वेयर एक्स इज डिफाइंड एज द इलोंगेशन। अगर इलोंगेशन होगा तो स्प्रिंग का फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, अपोजिट टू द इलोंगेशन होगा। कंप्रेशन होगा तो अपोजिट टू द कंप्रेशन लग रहा होगा, मतलब एक्स के विपरीत दिशा में लग रहा होगा। जिस डायरेक्शन में आप खींचेंगे उसके विपरीत दिशा में आपका फोर्स लगेगा। स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स उसकी नेचुरल लेंथ से जितना डिफॉर्म्ड होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। हियर के इज कॉल्ड एज द स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम लोग के को नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट का। बहुत फंडामेंटल इंट्रोडक्शन है जो आप सभी को समझना है। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद दूसरी बात आती है, दैट इज कॉल्ड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। इसको नाम दिया जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज कॉल्ड एज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब भी स्प्रिंग को खींचा या दबाया जाता है तो स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स इसके अगेंस्ट आप कुछ काम करते हैं, एंड दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। इसके कंजर्वेटिव इन नेचर होने के कारण इनके अंदर एक तरीके की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी सिंपली इक्वल्स टू माइनस का डी डब्ल्यू बाई द कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जब आप फोर्स या इसके बात करते हैं तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्कडन की बात करेंगे तो के एक्स डॉट डी एक्स, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। सो अगर आपने इसको एक्स वन से एक्स टू तक इलॉन्गेट किया हुआ है तो इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज बीन स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, के एक्स डी एक्स के इंटीग्रेशन के करस्पॉन्डिंग वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्सेस को ही कैलकुलेट करना था। स्प्रिंग फोर्सेस का वर्क डन के एक्स हो गया, तो हाफ ऑफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस के एक्स वन स्क्वायर। अगर स्प्रिंग इनिशियली, बहुत सिंपल छोटी सी बात करते हैं, इस स्प्रिंग इज इनिशियली एट नेचुरल लेंथ एल, नाउ द स्प्रिंग गेट इलोंगेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, इट इज अप्लाइंग अ फोर्स इनवर्ड दैट इज इक्वल्स टू के एक्स। तो आपको इसको, ये फोर्स ऑफ स्प्रिंग है, एक्सटर्नल को बाहर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा, और एक्सटर्नल जितना फोर्स लगा के जितना मेहनत करेंगे उतना ही एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड हो जाएगा। एंड वॉट एवर द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन साइड इट, इट इज सिंपली इक्वल टू यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। इनिशियल एक्स जीरो था इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन एक्स है तो उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी जो है वो हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। स्प्रिंग के द्वारा किया गया वर्क डन, दो तीन चीजें हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग, कई जगह पर ऐसा लिखा होता है वर्क डन बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कोई बच्चा बताना चाहेगा क्या ये स्टेटमेंट सही है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग जो है वो नेगेटिव होता है? इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? जल्दी से बताएं, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज करेक्ट और रॉन्ग? जल्दी बोलो मेरे भाई, फटाफट बोलो मेरे भाई। राघव जी बोल रहे हैं नहीं है, वेरी गुड। दो दिस इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग स्टेटमेंट। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज नेगेटिव, ये कहना सरासर गलत होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। आपको पता है
पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी जो है वो क्या होती है? आपने कहा सर देखो, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दिशा में होते हैं तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, वर्क डन पॉजिटिव होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट विपरीत दिशा में होते हैं तो आपका थीटा 180 डिग्री हो जाता है और वर्क डन नेगेटिव हो जाता है। तो आपने कहा सर बेसिक चीज तो समझ में आती है यहां से, अब अगर ये फंडामेंटल चीज समझ में आती है तो एक फंडामेंटल सी बात यहां पे समझ लो, बोलो क्या? आपने कहा सर देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं तो जब आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं ड्यूरिंग इलोंगेशन और कंप्रेशन, तो जब स्प्रिंग को खींचा जा रहा है या दबाया जा रहा है तो वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। बहुत बेसिक सी चीज समझिएगा, जब आप स्प्रिंग को खींचेंगे, इलोंगेशन की बात करेंगे तो फोर्स ऑफ द स्प्रिंग पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन जब आप स्प्रिंग को खींच के छोड़ देंगे तो व्हेन स्प्रिंग इज कमिंग एट नेचुरल लेंथ, रीगेनिंग नेचुरल लेंथ, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ को रीगेन कर रही होगी उस मोमेंट पर वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग हमेशा निगेटिव होता है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा। इट इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग, एब्सोल्यूटली रॉन्ग। इसमें कहीं से कहीं तक कोई सच्चाई नहीं है। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव और निगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। अगर आप उसको खींचेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, अगर आप उसको नहीं खींचेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात? अगर वो अपने नेचुरल लेंथ की तरफ आएगी तो नेगेटिव वर्क डन हो गया, अगर वो नहीं आ रही होगी तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बात समझ में आई? चलो आगे बढ़े। यार तुम लोग यार पार्टिसिपेट नहीं करते, बढ़िया से एकदम बढ़िया से पार्टिसिपेट करो तो मजा आ जाए फिर। तो अब स्प्रिंग के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर है? हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, एनर्जी सप्लाई भी कर सकती है, एनर्जी एक्वायर भी कर सकती है। अपनी एनर्जी जब छोड़ेगी तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा वो पॉजिटिव हो रहा होगा, किसी को खींच रही है अपनी एनर्जी, किसी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में दे रही है, तो वो स्प्रिंग का पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। जैसे बहुत सिंपल सी बात की जाए, एक बहुत फंडामेंटल गेम की बात करेंगे, फिर वापस हम लोग वापस आएंगे स्प्रिंग फोर्सेस के ऊपर। अब जैसे आपके पास एक मास एम अटैच था, इसकी लेंथ थी एल। अब इस स्प्रिंग को आपने कंप्रेस करके छोड़ दिया, आपने इसको कंप्रेस किया, मास एम को यहां पर लेके आ गए। अब जैसे आप कंप्रेस करेंगे बाय द एक्स लेंथ, तो स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी भर गई, हाफ के एक्स स्क्वायर के अंदर की एनर्जी भर गई। अब जैसे ही आप स्प्रिंग को छोड़ोगे, स्प्रिंग इस पर एक धक्का लगाएगी बाहर की तरफ, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा बाहर की तरफ। तो अब ये अपनी मीन पोजीशन को एक्वायर करने की कोशिश करेगी स्प्रिंग, और स्प्रिंग जैसे ही अपने मीन पोजीशन पर आएगी, ये डब्बा कुछ काइनेटिक एनर्जी ग्रहण कर लेगा। स्प्रिंग के अंदर एनर्जी शून्य हो जाएगी और सारी की सारी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में इस डब्बे को मिल जाएगी, राइट? तो यहां पर स्प्रिंग ने एक पॉजिटिव वर्क किया। सर UHA पर समझ में नहीं आया बेटा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। UHA शुभम, एक बार थोड़ा सा क्लियर बोलो, क्लियर बताएं बेटा क्या चीज आपको नहीं समझ में आई, ताकि हम आपको थोड़ा अच्छे समझा सकें बेटा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, सारी की सारी एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इन टू द काइनेटिक एनर्जी। यहां पर स्प्रिंग के द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है, और उसने सारी की सारी एनर्जी जो है वो इस ब्लॉक को दे दी, इस एम मास को दे दी, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली जज अबाउट द स्प्रिंग। अब इसी जगह पर ऐसे दूसरा क्वेश्चन भी आप समझ सकते हैं। आपने कहा कैसा? मैंने कहा देखो बेटा, एक स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है, बहुत सिंपल, ये स्प्रिंग एक लगी हुई है,
और एक ब्लॉक को आप दूर से फेंक दो किसी वेलोसिटी वी से, और ये वेलोसिटी वी से दौड़ता हुआ ब्लॉक आए और ये दौड़ता हुआ ब्लॉक आके इससे टकरा जाए, तो जैसे ही इसको टकराएगा स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग पिचकेगी, स्प्रिंग विल गेट कंप्रेस्ड, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब स्प्रिंग इतना पिचक जाएगी कि और ये ब्लॉक अचानक से रुक जाएगा किसी एक मोमेंट पर, ऐसा ही तो होगा, ये ब्लॉक रुक जाएगा और स्प्रिंग पिचक चुकी होगी, तो स्प्रिंग बहुत सारी पिचक गई होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी थी, आपने बोला हाफ एमवी स्क्वायर। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, आपने बोला जीरो। लेकिन जैसे ही ये टकराया, एज इट कोलाइड्स व्हाट हैपेंड, स्प्रिंग के पास एनर्जी आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर और इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। सर यू बराबर जीरो कैसे हुआ? अच्छा पोटेंशियल बेटा, यहां पर इलोंगेशन जीरो हो गया, मैं एट नेचुरल लेंथ बात कर रहा हूं, यहां पे एट नेचुरल लेंथ, जब वो वापस से अपने उसी पोजीशन पे आ गई जिस पोजीशन पे प्रारंभ में स्टार्टिंग में थी, तो जब अपने नेचुरल लेंथ पर आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू शून्य हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी जिसकी वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो जब एक्स जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी भी शून्य हो जाएगी, क्योंकि यहां पर एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो हो चुकी है। इन द वेरी सिमिलर वे यहां पर वी बराबर जीरो है, पोटेंशियल यहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई और सारी की सारी हाफ की एक्स स्क्वायर जो है एनर्जी कहां से आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पर स्प्रिंग पर वर्क डन जो है वो निगेटिव हो गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसा हो गया यहां पर, आप यहां पर बोलेंगे सर वर्क डन बाय स्प्रिंग यहां पर निगेटिव है, स्प्रिंग ने धक्का किधर लगाया, आपने कहा सर स्प्रिंग में धक्का बाहर की तरफ लगाया, डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ हुआ है, वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव हो गया है और इसने सारी की सारी एनर्जी जो एक ब्लॉक के पास थी वो खा ली, उसकी एनर्जी को कम कर दिया है और सारी की सारी एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो चुकी है। तो इस प्रोसेस में वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव है, इस प्रोसेस में वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव है, इसमें अपनी सारी एनर्जी इसने ब्लॉक को दे दी है, इस सिचुएशन में इसने ब्लॉक की सारी एनर्जी खुद खाली है। सो दिस इज कॉल्ड एज द एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इनके द्वारा स्टोर की गई एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इनसाइड अ स्प्रिंग। अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण क्या प्रभाव होता है वो भी समझ लीजिएगा। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूं, देखिएगा बहुत लोग गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत लोग गलत करते हैं। ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग एल माइनस एक्स है, मतलब एक्स कंप्रेस्ड है, अपनी नेचुरल लेंथ इसकी एल है, अपनी नेचुरल लेंथ से एक्स कंप्रेस्ड है, और मैंने आपसे पूछा इसकी नेचुरल लेंथ कुछ यहां पे है मान लीजिए एल, इस स्प्रिंग को हमने एल प्लस टू एक्स तक खींचा, इलॉन्गेट किया, पहले एक्स कंप्रेस थी फिर उसको खींच के एल प्लस टू एक्स कर दिया। तो एक तो ये प्रोसेस हो गई, इसको प्रोसेस नंबर एक का नाम देते हैं, दूसरी प्रोसेस ये हो गई कि एक केस में स्प्रिंग एक्स इलॉन्गेटेड थी और इसको इसी इलॉन्गेशन से 2x खींच दिया गया। अब पूछा गया कि जब स्प्रिंग को खींचा गया तो किसी बाहर के आदमी ने खींचा होगा, ऑब्वियसली बात है खींचना पड़ेगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है इन प्रोसेस टू एंड इन प्रोसेस वन जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा वो किस केस में ज्यादा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। W1 ग्रेटर देन W2, W2 ग्रेटर देन W1, W1 इज इक्वल टू W2 और कैन नॉट से।
कोई बताना चाहेगा बेटा, कुछ भी बोलना चाहेंगे आप लोग, जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। बताएगा मेरा भाई कोई नहीं समझ आया। द करेक्ट आंसर इज सी। आप यहां से यहां लेके जाएं या आप एक्स से 2x लेके जाएं, दोनों ही प्रोसेस में वर्क डन जो होगा वो सेम होगा। क्यों सेम होगा? देखो, एक्स से वापस एक्स तक आने का वर्क डन जीरो है। एक्स कंप्रेस था तब भी एनर्जी जो स्टोर्ड थी यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, और एक्स इलोंगेट हो गया है तब भी एनर्जी जो स्टोर्ड है वो हाफ के एक्स स्क्वायर है। इसको ऐसे बोल सकते हैं सर, जब कोई एनर्जी में चेंज ही नहीं हुआ तो कोई वर्क डन नहीं करना किया गया होगा, वर्क डन होता तो एनर्जी में चेंज आता, राइट। दूसरी चीज, आपने कहा सर ऐसे तो नहीं समझ में आता सर, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है, फोर्स तो लगा है। मैंने कहा देखो बेटा, फोर्स लगा है लेकिन नेचुरल लेंथ तक आने में स्प्रिंग का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस एक्स से जीरो आने में वर्क डन पॉजिटिव होगा और जीरो से प्लस एक्स जाने में वर्क डन निगेटिव होगा, क्योंकि अब फोर्स ऑफ स्प्रिंग पीछे की तरफ हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगा। तो जितना यहां पर जीरो से एक्स में, सॉरी माइनस एक्स से जीरो आने में जितना वर्क डन पॉजिटिव होगा, उतना ही जीरो से एक्स जाने में वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली ये टोटल मिला के जो वर्क डन है वो शून्य हो जाता है। तो यहां से यहां पहुंचने में स्प्रिंग के द्वारा किया गया नेट वर्क डन जो है वो जीरो रहता है मेरे बच्चे, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें तो स्प्रिंग की एक बड़ी प्यारी सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको और समझते हैं भैया। स्प्रिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकल के आती है वो क्या होती है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग की अगर मैं, हेलो कैनेडिक वर्ड, गुड आफ्टरनून। स्प्रिंग अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फॉर द केस ऑफ स्प्रिंग द के इंटू एल इज कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मॉरिन मॉरिन मॉरिन, इसका मतलब ये होता है कि अगर स्प्रिंग को मैंने मान लीजिए आधा आधा काट दिया दो पार्ट में, तो क्या स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा? आप बोलेंगे नहीं, अब स्प्रिंग का कांस्टेंट बदल जाएगा। जैसे यहां पे बात करेंगे, अगर एक स्प्रिंग की लंबाई एल थी तो के इंटू एल इट मस्ट बी इक्वल टू के वन इंटू एल बाई टू। तो यहां से अगर आप बात करेंगे तो आधी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2k। तो वेन एवर द स्प्रिंग इज कट इन टू द पीसेस इस स्प्रिंग कांस्टेंट चेंजेस, लेसर द लेंथ हायर द स्प्रिंग कांस्टेंट, लेसर द लेंथ हायर द स्प्रिंग कांस्टेंट। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे आपने इसकी लेंथ को काट के एल बाई थ्री कर दिया या 2l/3 कर दिया, एक लेंथ 2l/3 हो गई, तो आप बोलेंगे सर इसका के वन है इसका के टू है। यहां से आप क्लियरली बोल सकते हैं दैट के इंटू एल मस्ट बी इक्वल टू के वन इंटू एल बाई थ्री,
इट मस्ट बी इक्वल टू के टू इंटू 2l/3। यहाँ से आप के वन की वैल्यू बता सकते हैं 3k और के टू की वैल्यू बता सकते हैं 3k/2। नहीं बेटा अभी इतना समय तो नहीं है कि आप मॉरिन को पूरा देख सकें, और लेकिन यस INPHO के लिए जितना ज़रूरी है वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए कि INPHO के लिए कितना ज़रूरी है, वो आपके पास डेटा होना चाहिए। अब डेटा नहीं होगा तो फिर भारी पड़ जाएगा। नहीं ग्रिफिथ नहीं लगाना चाहिए, पुरुषल भी कुछ क्वेश्चन लगा सकते हैं, ग्रिफिथ की जरूरत नहीं है अभी। ग्रिफिथ रुक मतलब अभी रुक जाइए, आराम से लगेगा। स्प्रिंग की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? इलोंगेशन और कंप्रेशन। डज नॉट चेंजेस सडनली। अरे नहीं श्रेयस बाबू ऐसा नहीं करना, बाबा ऐसा नहीं करना, अरे इतना नहीं करना, पढ़ाई में एनर्जी लगा बेटा सब छोड़। इलोंगेशन एंड कंप्रेशन डज नॉट चेंज सडनली, मतलब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो ये हो जाती है कि इस स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नॉन इंपल्सिव इन नेचर, झटके वाले फोर्स नहीं होते, कभी भी झटका फोर्स नहीं लगाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिख रहा हूं। दस ड्यूरिंग कोलिजन और सडन फोर्सेस मोमेंटम डज नॉट अफेक्टेड बाय स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि सडनली फोर्सेस बहुत ज्यादा होते नहीं है, तो ये फोर्सेस बहुत नॉमिनल होते हैं, तो बहुत छोटे ड्यूरेशन में कोलिजन है, सडन फोर्सेस है, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम की लगते हैं। और अगर ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम की लगते हैं बेटा, तो स्प्रिंग फोर्सेस का कोई बहुत बड़ा प्रभाव उस छोटी सी ड्यूरेशन में मोमेंटम में देखने को नहीं मिलता है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मोमेंटम में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप नेग्लिजिबल इंपैक्ट होता है, आप इस तरीके से आप उसको बोल सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्सेस का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलता है, नहीं होता है। ठीक है सर, आप बोले थे कि टेलीग्राम पे डेटा डालेंगे, लेकिन मॉरिन का ओके ठीक है भेज देंगे, मॉरिन का डेटा मैं बनाऊंगा भेजूंगा बेटा, अभी बनाना है बेटा मुझे, बनाना है डेटा वो पूरा। ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट को जल्दी समझते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली चीज आपने समझ ली, कोलिजन के दौरान इसका कभी भी इंपैक्ट नहीं होता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन जैसा हम लोग कई बार देखते हुए आए, बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। ये मास 1m है, ये मास 1m है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस व्हेन
रोप इज कट. जब यहां से रस्सी को काट दिया गया ए और बी के बीच में, तो इन दोनों मासेस का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया. एंट्रोपी टर्न फिजिक्स के स... एंट्रोपी नहीं है हमारे फिजिक्स के सिलेबस में, वेंडरवाल इक्वेशंस नहीं आती हैं, लेकिन आ जाता है. रियल गैसेस का गेम हम लोग कम पढ़ते हैं, रियल गैसेस सामान्यतः केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो केमिस्ट्री की गैसेस होने के बाद भी वेंडरवाल पर भी क्वेश्चंस INPHO में बहुत आए हैं, तो आई थिंक आपको उसको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए. बेटा इतनी बुक के नाम जान के करोगे क्या, एक बुक अच्छे से लगा लो, हो जाता है. अगर आपने HCV रोडो अच्छे से लगा ली ना, फिर भी सिलेक्शन हो जाएगा बेटा. क्लासिकल मैकेनिक्स, डेविड मॉरिन की, क्लैपनर, और आप पुर्शेल, ग्रिफिथ, टेलर, ये सब बातें अच्छी लगती हैं, बुक्स अच्छी लगती हैं, लेकिन एक अच्छे से लगा ली जाए. अगर आप HC वर्मा और इरोडो प्रॉपरली कर लें, क्रोटोप भी ना करें, फिर भी आपके INPHO में सेलेक्ट होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेंगी. आप 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कर पाएंगे. आपको 100% क्वेश्चन तो ऐसे भी नहीं कर पाएंगे, आप इन दो बुक्स की हेल्प से कर लेंगे. ये आप किसी भी साल का पेपर ले आओ मेरे सामने, और मैं आपको ये बात प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि सिलेक्शन होने के लिए आपको बहुत ज्यादा बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती. मैं दिखा देता हूँ आपको, एक चीज करो अच्छे से करो. एक क्वेश्चन वहां से किया, एक क्वेश्चन वहां से किया, एक क्वेश्चन वहां से किया, नहीं आप पूरी चीजें कर पाओगे, नहीं आपको अच्छा लगेगा. ठीक है, चले भाई. अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो क्या एक्सेलरेशन होगा? आपने कहा कि सर देखो, अगर मैं इनिशियली बात करूं तो आई कैन वेरी सिंपली से इनिशियली इलोंगेशन इन स्प्रिंग, अगर मैं इसकी FBD बनाता तो यहां पर KX होता, यहां पर MG होता, और इस ब्लॉक की बात करते तो इसमें नीचे की तरफ KX होता, नीचे की तरफ MG होता, ऊपर की तरफ T होता. कंडीशन क्या है? आपने स्प्रिंग को काटा. और यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड लिखा होता है, जस्ट आफ्टर, और या फिर सडनली. ये बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द होता है, इसके थ्रू समझना है. जब आपको ये वर्ड दिख जाए कि जस्ट आफ्टर या सडनली वर्ड आपको इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई पड़े वहां कहीं पर भी, तो आप एक छोटी सी बात को बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लीजिएगा. क्या है वो छोटी सी बात, क्या है वो इंपॉर्टेंट बात जिसको आपको समझना है? वो छोटी सी बात आपको जो समझनी है वो ये है कि देखो भैया, स्प्रिंग में KX की वैल्यू सडनली चेंज नहीं होगी. सडनली KX विल नॉट चेंज. ये बहुत इंपॉर्टेंट. स्प्रिंग में इलांगेशन कभी भी अचानक से नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता. तो आपने कहा सर अगर ये चेंज नहीं होगा तो KX सेम रहेगा.
अगर के एक्स सेम रहेगा तो यहाँ सिचुएशन के साथ दिखाई पड़ता है कि के एक्स एम जी के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियली सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो अगर के एक्स मैग्नीट्यूड वाइज एम जी के बराबर है तो ये अगर नहीं बदला तो नीचे वाले ब्लॉक पर तो नेट फोर्स जीरो है, तो इसका एक्सेलरेशन तो शून्य हो जाएगा। इस वाले की बात करेंगे तो टेंशन रस्सी काटने के बाद टेंशन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इस पर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो के एक्स और एम जी दोनों का लग रहा होगा, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वो नीचे की तरफ के एक्स प्लस एम जी के बराबर हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम जी, इट मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन 2g हो जाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये होगा जस्ट फॉर द सेकेंड, जस्ट फॉर एन इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पर, उस छोटे से इंस्टेंट पर ही मेरे प्यारे बच्चों एक्सीलरेशन जो होगा इट इज इक्वल टू 2g, और एक्सीलरेशन जो होगा इट इज इक्वल टू 0, जस्ट फॉर दैन इंस्टेंट। ऊपर वाले का 2g और नीचे वाले का 0। क्या बात समझ आ जाती है? किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका हो तो बता दो भैया। बेटा ई वेक्टर और डी वेक्टर जो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट डाइलेक्ट्रिक वेक्टर जो भी है, अगर इनके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं कह सकता इनमें नहीं पूछा सकता, क्योंकि ये कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करके, डायरेक्टिव वेक्टर की बात करके आपसे क्वेश्चन ना पूछा जा सके। पूछा जा सकता है, इरोडो में भी क्वेश्चन दिए गए। अगर आप इनको लेके बहुत ज्यादा डेप्थ में ना जाए, लेकिन सिर्फ इरोडो के अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते तो काम आपका हो जाएगा। इरोडो के क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक बार को बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट इरोडो में ये क्वेश्चन आपको दिए गए 1.353 था शायद, कौन सा था वो, वन सिक्स टू क्वेश्चन हैं, 104 नहीं, 104 तो मैं नहीं है, 162 163 पे हैं ये क्वेश्चन, आपको मिल जाएंगे। 162 163 160 वाले क्वेश्चन जो हैं आप उनको कर लीजिए, वो सफिशियंट है।
104 रोडो कौन से सेक्शन में बेटा, किस सेक्शन में? 1 2 3 4 किसकी बात कर रहे हो, मैकेनिक्स में किसमें बात कर रहे हो? चलो इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस एक और बनते हैं जिसमें आपको मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम की बात कर ली जाती है। ये 2M, ये 2M है और ये 2M। अब आपसे पूछा गया है इफ द रोप बिटवीन ए एंड बी इज कट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल मासेस एट द इंस्टेंट ऑफ कटिंग। 3.104, ओके बना बना दूंगा बेटा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल मासेस इमीडिएटली आफ्टर कटिंग। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी बताएंगे। 3.104 में ऐसा किया जो तुम इतना परेशान हो बेटा। अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं। आप इसको गॉस लॉ से कर लीजिए, सिंपल है। चलो ठीक है, बना देंगे बना देंगे। चलो भाई, यस आईएमपीएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, अब वो कैपेसिटर हो सकता है, वो किसी से भी हो सकता है, कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, लेकिन कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है, हल्का नहीं। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर वो इससे आने की ज्यादा रहती है। कैपेसिटर कंडक्टर का मिक्सअप हो जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, इसलिए कैपेसिटर और कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन भी बन जाते हैं काफी सारे।
हाँ दिक्कत थोड़ी करेगा, कैपेसिटेंस दिक्कत करेगा, कैपेसिटेंस पे एक सेशन रखे रख सकते हैं, कैपेसिटेंस बहुत अच्छे से क्वेश्चन। चलो यहाँ पर जल्दी से बात करते हैं, फिर कैपेसिटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस आपके साथ शेयर करेंगे रोल भाई। तो अगर यहाँ से रस्सी को काट दिया गया तो ये पार्ट इंडिपेंडेंट, ये पार्ट इंडिपेंडेंट। सबसे पहले अगर मैं स्प्रिंग में के एक्स की बात करूँ तो इनिशियली स्प्रिंग में जो के एक्स की वैल्यू होगी, यहाँ पर बात करेंगे तो के एक्स वन अगर मैं लिख दूँ, इट इज सिंपली इक्वल टू के एक्स वन इज टू एम जी, क्योंकि यहाँ पर इस स्प्रिंग को बैलेंस कर रहा होगा। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी के एक्स की वैल्यू टू एम जी के बराबर ही होने वाली है। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं जल्दी जल्दी सारे एफ बी टी बना देता हूँ। टू एम इधर, टू एम इधर, एम और यहाँ पे टू एम। तो आपने कहा कि सर देखो इसके ऊपर तो स्प्रिंग फोर्स नहीं चेंज हुआ, तो के एक्स जो था वो टू एम जी के बराबर था, तो इसका भी इधर भी टू एम जी होगा, इधर भी टू एम जी होगा, इधर भी टू एम जी होगा। तो आपने कहा सर इसका एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा और इसका एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगा, क्योंकि इन पर फोर्सेस पर कोई बदलाव नहीं आएंगे। इस पर क्या होगा? आपने कहा सर इस पर नीचे की तरफ टू एम जी लगेगा, क्योंकि के एक्स का फोर्स इसका खुद का टू एम जी भी नीचे की तरफ लगेगा। इस रस्सी में कुछ टेंशन टी हो सकता है, क्योंकि ये टेंशन टी यहाँ पर भी आ रहा होगा। यहाँ पर नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं बचेगा सिर्फ एम जी के अलावा, ये दोनों एक रस्सी से कनेक्टेड हो जाएंगे, और ये बीच वाला एम जी बेचारा अनाथ है, इसको नीचे की तरफ स्प्रिंग लग रही होगी एम जी फोर्स से और इधर नीचे की तरफ एम जी फोर्स से। पहले सारे के सारे फोर्सेस को बहुत ध्यान से देख लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जल्दी से देख लीजिए, कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिए भैया। ठीक है, ऋतिक एफबीडी में दिक्कत होती? क्यों दिक्कत होती है, कहां पर दिक्कत आती है बेटा? ऋतिक एफबीडी में क्या दिक्कत होती है? रामेंद्र बाबू बोल रहे हैं एफबीडी नहीं आई है। चलो ठीक है, जल्दी समझो, स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होगा, द स्प्रिंग फोर्स विल रिमेन सेम। व्हाट विल रिमेन सेम? व्हाट विल बी सेम? आप बोलेंगे सर स्प्रिंग का जो फोर्स है वो सेम रहेगा। अगर मैं इस 2mg की बात करता तो स्प्रिंग फोर्स यहां पर के एक्स जो लग रहा होगा बिफोर कटिंग, वो इस फोर्स को बैलेंस करके रखे हुए होगा। तो बिफोर कटिंग यहां की बात करें चाहे यहां की बात करें, दोनों ही जगहों पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू 2mg के बराबर होगी। अगर स्प्रिंग फोर्स के लिए 2mg के बराबर होगी तो अपन को पता है कि सर ये चेंज नहीं होने वाला, तो इस ब्लॉक की एफबीडी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इस ब्लॉक की एफबीडी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नीचे वाले बीच की रस्सी यहां पर कट गई है तो यहां पर तो टेंशन शून्य हो गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है वो है ये दोनों का गेम, क्योंकि अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो इसको ऊपर की तरफ खींच के आना पड़ेगा, टेंशन रस्सी से बंधा हुआ है, तो इसका जितना एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा उतना ही इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ भी होगा। तो मेन गेम जो है वो यहां पर आ जाता है, टेंशन किधर की लेना है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? टेंशन हमेशा एंड से अंदर की तरफ होती है। डायरेक्शन ऑफ टेंशन, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा जब भी आपको लगाना है तो रस्सी के एंड पॉइंट से अंदर की तरफ आपको लगाना है। रस्सी हमेशा टेंशन या खिंचाव किसी भी एक्सटर्नल बॉडी को अंदर की तरफ खींचती है, अपने पोजीशन अपनी लेंथ को रीगेन करने की कोशिश करती है। तो टेंशन फोर्स हमेशा रस्सी में टेंजेंशियली इनवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाता है। यहां पर अगर बात करेंगे तो नेट फोर्स नीचे की तरफ लग गया 2mg और यहां पर लग गया mg और ये दोनों ब्लॉक एक इससे कनेक्टेड हो गए। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 4mg नीचे की तरफ माइनस टी, इट मस्ट बी इक्वल टू 2m इनटू a, और यहां पर ऊपर की तरफ टी लग जाएगा तो टी माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू एम ए। इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो 3mg इज इक्वल टू 3ma आ जाएगा बेटा, और यहां से आप बोल सकते हैं दैट एक्सिलरेशन इज इक्वल टू जी। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सिलरेशन जो होगा, इसका नीचे की तरफ जी होगा, इसका ऊपर की तरफ जी होगा, और ये एक्सिलरेशन यहां पर आ रहे होंगे। ठीक है, चलो
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड ऋतिक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर सेशन पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पाथफाइंडर में भी गिवन है, रोडो में भी गिवन है, हमारी शीट में भी गिवन है। तो स्प्रिंग की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो थी वो तो हमने आज पढ़ ली है, लेकिन स्प्रिंग की साथ जो मोशन आता है वो होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्प्रिंग एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉम्बिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उन केस में कैसे कैसे हमको पढ़ाई करनी होती है, उनकी चर्चा भी हम लोग प्रारंभ करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम फर्दर सेशंस को और प्लान करें आपके लिए। ठीक है भाई बच्चों, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल सेशन। हैव अ वेरी ग्रेट डे, अच्छे से पढ़ाई करते रहे, कोई परेशानी हो तो पूछते। रोडो में अंदर दो तीन प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जैसे एक ये चेन गिर रही है, व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाई चेन व्हेन वाई लेंथ ऑफ द चेन हैज बीन फॉलन डाउन। तो ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम पर बेस्ड है, ये इरोडोव की एक प्रॉब्लम है। ये आप देख सकते हैं, ये गिर रही है, जब वाई लेंथ गिर चुकी होगी तो कितना फोर्स वो ग्राउंड पर लगा रही होगी ये आपको पूछा गया है आपसे। ठीक है ना, इसका पर यूनिट लेंथ मास दे दिया गया लैम्डा, तो ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से निकल के आ जाता है। इसी तरीके से एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ये INPHO 2012 का क्वेश्चन है शायद, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन INPHO में ही आया था ये क्वेश्चन। वहाँ पर उन्होंने एक रस्सी को इस तरीके से लटाया हुआ था और बोला कि रस्सी का दूसरा एंड इसको घुमा के लेके चल रहे हैं और इसको खींचा जा रहा है विद द वेलोसिटी वी। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, कितना फोर्सेस अप्लाई कर रहे होंगे, इस पर बेस्ड भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो एक रस्सी, एक लंबी सी रस्सी थी, इसको ऐसे उठाया जा रहा है कि ये लोअर पार्ट ऑफ द जो रोप है वो रेस्ट पर है, लेकिन ये पार्ट कांस्टेंट वेलोसिटी वी से चल रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी वी से चल रहा है तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और इस पर भी एक डिस्कशन अच्छा क्वेश्चन बना है। ये INPHO में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरिएबल चेन प्रॉब्लम पे। ऐसा ये क्वेश्चन और भी आया हुआ है जो मैंने अभी आपको पाथफाइंडर में दिखाया है कि रस्सी ऐसे उठी हुई है, ये तो शायद चांस मेरे से पूछा भी हुआ है कि सर ये प्रॉब्लम होता है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस रस्सी को बैलेंस करने के लिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ये टोटल लेंथ इसकी एल थी तो यहाँ पर एल माइनस एक्स है, यहाँ पर एक्स लेंथ है, तो फोर्स की वैल्यू बता दो ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, ऐसे कंडीशन भी आपसे पूछी गई है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो जनरेट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के फॉर्मेट में, और लगभग लगभग सभी का कंसेप्ट जो है वो एक जैसा ही है। कहीं पर टेंशन थोड़ा सा वेरिएबल हो रहा है, कहीं पर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लग रही है। तो ऐसी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो मैं नेक्स्ट सेशन में लेके आ जाऊंगा, और अगर आपको ऐसी कुछ और प्रॉब्लम्स भी समझ में आती हैं तो आप डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करिए कि सर इन प्रॉब्लम्स भी बना दीजिए वीडियो। तो कोशिश करूंगा कि आप तक वो सारे वैराइटीज जहां जहां पर भी गिवन है, ये पाथफाइंडर की प्रॉब्लम है, ये इरोडो की प्रॉब्लम है, ये INPHO की प्रॉब्लम है, तो जहां जहां पर जैसी जैसी प्रॉब्लम्स आई होंगी कोशिश करके आप तक वो सारी प्रॉब्लम पहुंचा दूंगा। 2 MGY द फॉलिंग पार्ट एंड MGY विद द रेस्ट मास, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, चेंज इन मोमेंटम से, वेरी गुड। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है बनती हैं, यहाँ पर इसका भी आपको पता ही होगा, ये पीछे घुमाना है, तो ये सब चीजों पे चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी वेरिएबल फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो जल्दी से सबसे पहले फंडामेंटल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं ताकि एक एक चीज को फंडामेंटली क्लियर कर सकें और आपको सारी की सारी बातें बता सकें। ठीक है, वेरिएबल फ्रिक्शन प्रॉब्लम, तो वेरिएबल फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूंगा तो आई वुड डेफिनेटली से कि सबसे पहले फ्रिक्शन जो होता है दैट इज इक्वल टू म्यू इन टू एन। फ्रिक्शन को वेरिएबल करने के लिए आपको म्यू वेरिएबल हो सकता है या एन वेरिएबल हो सकता है, मैक्सिमम केसेस में 99% ऑफ द केसेस में एन वेरिएबल होता है, तो एन इज वेरिएबल। तो अगर एन वेरिएबल होगा तो किस तरीके से फ्रिक्शन की वैल्यूज चेंज हो रही होंगी, कैसे काम हो रहा होगा, वो सब चीजें अपन को समझनी है। तो सबसे पहले बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत बार आप लोगों को कराया हुआ है, तो जल्दी से एक पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूं। एक ब्लॉक है, ये ग्राउंड पे पड़ा हुआ है ऑन एन प्लेन, और ये प्लेन यहां से हिंज्ड है। ठीक है ना, अब इस प्लेन को स्लोली स्लोली उठाया गया, ठीक
प्लेन इज लिफ्टेड स्लोली स्लोली आपसे पूछा गया है कि टिल एज्यूमिंग द लेंथ टू बी वेरी लॉन्ग, लेंथ को बहुत लॉन्ग मानना है अभी, लेंथ टू बी वेरी लॉन्ग, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन किस तरीके से लग रहा होगा ये आपको बताना है एज इट मूव्स फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो आपको बताना है वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन विद थीटा, थीटा स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री टू पाई बाई टू 90 डिग्री जब ये वर्टिकल हो जाएगा, तो इस दौरान फ्रिक्शन ग्राफ कैसे बनेगा ये आपको बताना है, बहुत फंडामेंटल बहुत बे। हाँ म्यू वेरिएबल के केस भी इरोडो में पूछे नहीं गए, मतलब इरोडो में है पूछे कम गए, आई एन पी एच ओ वगैरह में या जेई में भी कभी भी म्यू को वेरिएबल करके कोई केस बहुत कम है, बहुत रेयर पूछा गया है मुझे, मतलब मुझे अभी रिकॉल हो भी नहीं रहा कोई ऐसा केस जो जे एडवांस में पूछा गया हो या एन एस सी पी में पूछा गया हो जहाँ पर उन्होंने म्यू को वेरिएबल करा हो, कम करते हैं म्यू को वेरिएबल, पता नहीं किया जा सकता है ऐसा नहीं करते तो नहीं, इरोडो में तो बहुत सारे हैं। पहला क्वेश्चन जल्दी से बता दो, हिंट कर सकते हैं आप सबको पढ़ा चुका हूँ जरा, ये चीज आपको पढ़ाई जा चुकी है तो उम्मीद करते हैं जो चीज पढ़ ली है उसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। डाउन पैराबोला टिल एम जी बाई के एंड देन अप पैराबोला, चलो अच्छा मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं आप लोग टिक करके बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट डाउनवर्ड पैराबोला देन कॉन्स्टेंट, डाउनवर्ड पैराबोला देन अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला कंप्लीट ए बी सी एंड डी कैन नॉट से, ये अपवर्ड पैराबोला अप्रोक्सीमेट ग्राफ आपको होता है ना, मतलब भावना भावुक मत होना कि सर आपने एग्जैक्ट ग्राफ ऐसा नहीं बनाया, तो एग्जैक्ट मतलब अप्रोप्रिएट ग्राफ जो आपको लगे वो बताइएगा, तो जो भी आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है ए बी सी डी में जल्दी से कमेंट करके बता दो भैया कौन सा सही ऑप्शन है इन ए बी सी डी। श्रेयांस का ये आ रहा है, ओके ओके कैंडिक वर्ड, ओके ओके वी विल लुक इनटू इट, विल लुक इनटू इट। श्रेयांस एब्सोल्युटली रॉन्ग, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, द पैटर्न ऑफ द ग्राफ वुड बी, अगर मैं यहां पर बात करता हूं इन दिस गिवन सिचुएशन, इफ आई से यू समथिंग लाइक दिस वन, and the block is placed somewhere like this. So there is two conditions arises. One condition before the angle of repose, यहाँ पर एक ऐसा angle आएगा theta जहाँ पर slipping start होगी, तो
नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स जो होगा वो एम जी साइन थीटा होगा, और ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स जो होगा वो हो जाएगा म्यू इंटू एन। तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा एंड डाउनवर्ड फोर्स हो गया एम जी साइन थीटा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के केस में, अब एम जी साइन थीटा इट इज इक्वल्स टू म्यू एम जी कॉस थीटा, तो फ्रॉम हियर आई कैन वेरी सिंपली, इसको एंगल ऑफ रिपोज भी बोला जाता है, दैट टैन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। तो जिस थीटा पर टैन थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर हो जाएगी वहां पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब द फ्रिक्शन बिटवीन बिकम द काइनेटिक। तो इफ थीटा इज लेस देन टैन इनवर्स म्यू स्टैटिक एंड थीटा ग्रेटर देन लेस देन इक्वल लगा देते हैं यहां पे टैन इनवर्स म्यू, फ्रिक्शन बिकम्स काइनेटिक। अब ये पॉइंट आता है कि सर जब ये ऊपर की तरफ उठ रहा होगा तो फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा। आप पहली चीज कंडीशन देख सकते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू, और मैं हमेशा चिल्ला के बोलता रहता हूँ कि फ्रिक्शन मैक्सिमम जो होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, द फ्रिक्शन मैक्स इज म्यू इनटू एन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो म्यू इनटू एन के बराबर होती है। यहां पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा जब ये ग्राउंड स्टेज पे है, तो आपने बोला सर यहां पर फ्रिक्शन जो लग सकता है मैक्सिमम जो लग सकता है वो हो सकता है म्यू एम जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन म्यू एम जी के बराबर होगा एट दिस कंडीशन। बट फ्रिक्शन एक्ट कितना कर रहा होगा, लग कितना रहा होगा, तो आप बोलेंगे जीरो। क्यों बोलेंगे जीरो? आप बोलेंगे सर कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन है ही नहीं, फ्रिक्शन क्यों लगेगा, फ्रिक्शन किसका अपोज करेगा, जब कोई रोक जब कोई चलाने वाला ही नहीं है तो अपोजिशन किस चीज का होगा, विरोध किसका है, तो इट हैज नो टेंडेंसी ऑफ मोशन। टिल दैट एम जी साइन थीटा, जब तक ये mg sin थीटा छोटा है तो फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू, इस कंडीशन में देखिएगा फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू mg sin थीटा। मैंने आपको नियम बताया था कि जितना जरूरी है उतना लगेगा, जब जरूरी तब लगेगा, जहां जरूरी वहां लगेगा। तो यहां पर तो बहुत सिंपल सा लॉ हो गया कि जितना जरूरी है उतना लगेगा, जब सरकार नहीं तो विपक्ष कैसा। जितना जरूरी है उतना लगेगा, एंड दूसरा हो गया, अब जब बड़ा हो गया तो फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का हो गया, अब फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का हो गया तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा ये। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो एज इट मूव्स अपवर्ड, अब मैं इसको आपको सीधे इस सिचुएशन में बताऊं, जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा। आप बोलेंगे सर इस कंडीशन में लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। आपने बोला क्यों जीरो होगा, आपने बोला सर नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, यहां पर तो कोई नॉर्मल नहीं लग रहा होगा, mg नीचे की तरफ होगा, नॉर्मल विल बी जीरो। सो व्हेन इट्स बिकम वर्टिकल द नॉर्मल विल बिकम जीरो। तो आप पहले दो कंडीशन को हमेशा पकड़ा करो कि जब भी आपसे कुछ भी पूछा जाए आप हमेशा लिखो कि थीटा बराबर जीरो डिग्री पे क्या हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री पे, ताकि एंड पॉइंट्स आपको क्लियर हो। अब वंस यू क्लियर द एंड पॉइंट्स, अब आपसे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब आपसे गलती होने की संभावनाएं कम रहेंगी, प्रॉब्लम तो क्या है लेकिन गलती होने की जो समस्याएं हैं वो कम हो जाती है। तो अब यहां से यहां तक mg sin थीटा कर्व रहेगा टिल द थीटा ऑफ tan इनवर्स म्यू, इसको थीटा आर बोल देते हैं एंगल ऑफ रिपोज, और इसके बाद ये म्यू mg cos थीटा। थोड़ा सा ग्राफ नीचे की तरफ आता है क्योंकि म्यू कोफिशियंट डिक्रीज हो जाता है, तो ये ग्राफ होगा म्यू एस एम जी साइन थीटा का, और ये ग्राफ होगा म्यू के एम जी कॉस थीटा का, और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा थीटा आर, एंड दिस विल बी द कर्व ऑफ द फ्रिक्शन विद थीटा। दिस इज कॉल्ड एज द वेरिएबल फ्रिक्शन प्रॉब्लम, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल फ्रिक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें कोई डाउट वाली बात है तो बताए। इसी पर बेस्ड एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, जो हमने एक S2 एक्सरसाइज थी हमारी, हमने उसमें डाला हुआ क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को जल्दी से रिविजिट कर रहा हूँ ताकि हम उसको आपको बता सकें। एक छोटा सा क्वेश्चन है ये हमारी, अगर आपके पास सीट अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं, S2 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला कार बिगिंस टू मूव एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एक कार टी बराबर जीरो पे चलना स्टार्ट करती है। मैं इसको डायग्राम बना देता हूं,
ठीक है, बहुत है, देन एंड देन एक्सीलरेट अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक विद अ स्पीड गिवन बाई वी टी इज इक्वल टू 2t2। इसकी वेलोसिटी आपको दे दी गई v बराबर 2t2। कब से कब तक ये एक्सिलरेट करती है? 0 से t बराबर 2 तक। ये यहां से यहां तक इसने एक्सिलरेट किया t बराबर 2 तक। एट द एंड ऑफ द एक्सिलरेशन द कार कंटिन्यूज टू मूव एट कॉन्स्टेंट स्पीड अ स्मॉल ब्लॉक, उसके बाद कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर, अ स्मॉल ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द कार, इसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट करती है, याद रखिएगा ना। इसके बाद इसकी स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब एक ब्लॉक रखा है, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कार, ध्यान से देखिएगा। अब स्मॉल ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द कार बिगिंस टू स्लिप एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये इस पे रखा है। दिस ब्लॉक begins to slip at t is equals to 1, t बराबर 1 पे स्लिप करना स्टार्ट करता है, एंड स्टॉप्स स्लिपिंग एट t equals to 3। आपसे पूछा गया है फाइंड कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड म्यू एस एंड म्यू के, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल हेल्प करेंगे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन को पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकें और फिर फर्दर इस पर हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। a इज इक्वल टू 4t, यस वेरी गुड, क्या बात है सर, मॉर्निंग का रोटेशन आई कर सकते हैं या हाई लेवल है? अभी नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते अभी। टोटल 4 क्वेश्चंस मैं अभी आपको कराने वाला हूं, एक क्वेश्चन जल्दी से करो मेरे प्यारे बच्चों इसको। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड श्रेयस, वेरी गुड। सो फर्स्ट आंसर केम इन टू द पिक्चर, दैट इज म्यू एस इज इक्वल टू 0.4, दिस कम अप, वेरी गुड, शानदार। अब म्यू की जल्दी से निकाल दो बेटा। टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे स्लिपिंग स्टार्ट हुई है, इसका मतलब टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर जो इसका एक्सिलरेशन होगा ब्लॉक का,
अच्छा बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन कितना हो गया? तो यहां पर v बराबर 2t स्क्वायर है, वेरी गुड। एक्सेलरेशन इज गिवन एज 4t, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड जब स्लिपिंग स्टार्ट हुआ, इसका मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसको मैचअप नहीं कर पा रहा होगा। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो ब्लॉक का हो सकता है, इट इज इक्वल्स टू म्यू इंटू जी, एंड दैट इज इक्वल्स टू दैट शुड बी इक्वल टू जिस पॉइंट पे स्लिपिंग स्टार्ट हुई, दैट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो इनके साथ चला, तो दैट इज इक्वल्स टू 4 × 1, तो दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.4। सो करेक्ट आंसर इज 0.4, इसमें कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, म्यू एस की वैल्यू निकाल, म्यू के की वैल्यू निकालनी, व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन उन्होंने बोला है कि ये ब्लॉक इसके रिलेटिव रुक गया, कब रुका? जब ये टी बराबर 3 सेकेंड्स पर आ गया। तो टी बराबर 3 सेकेंड्स पर जो इसकी वेलोसिटी होगी, और इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो गई होगी, यही तो बोलेंगे। स्लिपिंग स्टॉप, इसका मतलब अभी लेंथ ऑफ द कार को सफिशियंटली लॉन्ग मानना है, इसमें नहीं कि कार से पीछे गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं अज्यूम करना है। अनटिलनेस इट इज नॉट गिवन, अज्यूम इट टू बी कॉन्स्टेंट। तो वेलोसिटी इस पार्टिकल की टी बराबर 1 से टी बराबर 3 में जो हुई होगी, वही वेलोसिटी इसकी यहां पर भी होगी जो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। तो एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द कार विल बी 2 × 2 का स्क्वायर, तो दैट गोज टू 8 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी टी बराबर 1 पे कितनी थी? आपने बोला सर पार्टिकल की वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड एट टी इक्वल्स टू 1। तो इस ब्लॉक का एक्सिलरेशन आफ्टर स्लिपिंग, एक्सिलरेशन ऑफ ब्लॉक आफ्टर स्लिपिंग कितना हो जाएगा वंस द स्लिपिंग स्टार्ट? तो आप बोलेंगे इसका म्यू के इंटू जी के बराबर रह जाएगा एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि उसके ऊपर अगर मैं ब्लॉक के बीडी बनाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ब्लॉक पर तो सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे की तरफ, एंड फ्रिक्शन काइनेटिक नेचर का हो जाएगा। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी, तो एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक, यहां से अगर मैं फ्रिक्शन की बात करता तो इट इज म्यू के इंटू एम जी, तो एक्सिलरेशन उड़े म्यू के इंटू जी। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से जब ये कार 3 सेकेंड पर होगी, तो दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टॉप हो गई है, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अगर दोनों की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, तो हम यहां से क्लियरली बोल सकते हैं कि 2 + μ/g × टाइम कितना लगा? आपने कहा 2 सेकेंड, इट मस्ट बी इक्वल टू 8। तो यहां से 2 से ये चला जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो μ/g की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी, तो μ/g की वैल्यू हो जाएगी 0.3, एंड दिस इज द आंसर। ये वापस से आंसर हो गया। स्पेशल क्लास में एनएसईपी मॉक टेस्ट आज नहीं करा पाऊंगा, आज मुझे यूट्यूब पे बहुत, बेटा कल तो मैं एक भी क्लास नहीं दे पाया यार, कल मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया, वेस्ट नहीं हो गया, काम बहुत ज़्यादा हो गए, तो आज ले लूँगा, कल लूँगा मैं आपकी क्लासेस जितनी भी आपको है मॉक टेस्ट स्पेशल, कल लेंगे स्पेशल क्लास के मॉक टेस्ट, कल ले लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत बेटर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा, इरोडो में ही दिया गया है। नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑफ इरोडो 103, द टाइम टेकिंग राइट नाउ। नहीं सॉरी 103 नहीं था, 102 था शायद, 102 आई थिंक, या क्वेश्चन इज 102, वही हो। क्वेश्चन में बोला गया है, अ स्मॉल बार स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन फॉर्मिंग एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस एक्स कवर्ड एज के इज इक्वल टू ए एक्स, वेयर ए इज कॉन्स्टेंट, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई द बार टिल इट स्टॉप्स, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ओवर दिस डिस्टेंस। एक बॉडी ऑफ मास एम है, याद रखिएगा रेस्ट पर है, पहले कंडीशन दे दी गई है, स्टार्ट स्लाइडिंग मतलब इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं थी,
स्मॉल बार स्टार्ट साइड ऑन एन इंक्लाइन प्लेन फॉर्मिंग एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, अल्फा बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। फ्रिक्शन वेरिएबल दे दिया गया है, नाउ फ्रिक्शन इज गिवन एज ए एक्स के एक्स। फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी, तो ये फ्रिक्शन वेरिएबल का एक क्वेश्चन जो इरोडो पे है मैं उसको कर रहा हूँ। एक्स क्या हो गया, जितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इनिशियल पॉइंट को हम एक्स बराबर जीरो लिख ले रहे हैं और जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्स। फ्रिक्शन उसी के करेस्पॉन्डिंग लगेगा। वेव आज शाम को होगा बेटा, वेव का क्लास होगा 5:30 बजे, इसमें मैंने क्लास डाल दी बेटा, आज क्लास होगी, कल मैंने क्लास पुटअप कर दी है। बिल्कुल होगी बेटा, कोई क्लास नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको एसएचएम पढ़ना है तो आज एसएचएम भी शायद स्टार्ट हो जाएगा, आज हमारा प्लस बैच स्टार्ट हो गया है जहाँ तक है ना, प्लस बैच स्टार्ट हो गया आज। अच्छा ईएमआई स्टार्ट हो, अच्छा प्लस बैच में तो ईएमआई स्टार्ट हो गया, ओके। हाँ बताना है कि इसका कब रुकेगा, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक टिल इट स्टॉप। डिस्टेंस कवर्ड बतानी है टिल इट स्टॉप्स। और दूसरा पूछा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी ओवर दिस डिस्टेंस। एस इज इक्वल टू टू, यस यस, आप टाइम लीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए बेटा, ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए आपको, अच्छा क्वेश्चन है और अच्छी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिए मस्ती से, कैलकुलेशन करिए, अच्छा रिजल्ट है। इसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, इक्वेशन आ गई, वेरी गुड। इक्वेशन वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल, हाँ सही है बेटा, वेरी गुड। टू टेन फाइव टू कॉट फाइव आएगा ना, टू टेन फाइव आएगा सर। ठीक, एक मेरे को मैं आंसर आंसर इसका एक बार देख लेता हूँ, आंसर मैं भूल गया हूँ, एक सेकंड बेटा लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। टू टेन फाइव मुझे कॉट फाइव क्या है, हाँ 2 tan 5, ठीक है ठीक है, 2 upon 8 tan 5। वेरी गुड वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया।
टेन आएगा, टेन आएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। के एक्स ले लिया, वो टू अपॉन के हो जाएगा, मैंने टू ए नहीं निकाला। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दोनों आंसर आपके आ गए। इक्वेशंस की बात अगर करेंगे तो मुझे पता है यहाँ पर जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा, नेट एक्सिलरेशन अगर मैं लिखने की कोशिश करूँगा, ए इज इक्वल टू दैट विल बी एम जी साइन अल्फा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, कॉस अल्फा सॉरी, और म्यू के लिए अगर मैं के एक्स लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए नहीं लिखा था, इरोडो में इसको के की जगह ए लिखा हुआ है, क्योंकि एक्सिलरेशन यहाँ पर आता है, इसलिए मैं इसको दो दो ए में कन्फ्यूज ना हो बच्चा, इसलिए मैं यहाँ पर के लिख देता हूँ। तो के एक्स इंटू एम जी कॉस अल्फा, नाउ दिस इज द एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक इनिशियली एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ यू कैन वेरी सिंपली इंटीग्रेट इट विद द हेल्प ऑफ वी डी वी बाई डी एक्स। आप एक्सिलरेशन को लिख सकते हैं वी डी वी अपॉन डी एक्स, एंड देन यू कैन वेरी सिंपली डी एक्स को इंटीग्रेट मारेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट हो जाएगा। बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन आप इनिशियल वैल्यू को निकाल सकते हैं, दैट इज वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, सॉरी एक्सिलरेशन है तो एम हट जाएगा, माई मिस्टेक, नेट फोर्स था तो एम एम हटा देते हैं इसको यहाँ से। एक्स के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, जी साइन अल्फा इंटू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू जी कॉस अल्फा, एंड दिस विल बी द टोटल कहानी। यहाँ से आप पूरी की पूरी कहानी को निकाल सकते हैं, जब कब वेलोसिटी जीरो होगी, कब जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू वेरी गुड, वेरी गुड, यस वेरी गुड, परफेक्ट 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 परफेक्ट। एक और क्वेश्चन जो इसको अगर याद हो तो, अभी हम लोगों ने ये दिस क्वेश्चन इज बीन डन इन वर्क पावर एनर्जी, और वर्क पावर एनर्जी में भी ये क्वेश्चंस कई अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। हाफ ऑफ द सरफेस स्मूथ, एक ब्लॉक है, इसकी लंबाई आपको एल दे दी गई है, इट इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी वी इन द रीजन ऑफ इन दिस इज द रफ रीजन, यहां पर कोफिशियल फ्रिक्शन आपको दे दिया गया है म्यू, आपसे पूछा गया फाइंड वी सच दैट कंप्लीट ब्लॉक, फाइंड मिनिमम वी कंप्लीट ब्लॉक लाई इन रफ रीजन। चलो भैया जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन को भी फटाफट। सॉरी शैन साहब, जल्दी से बताओ आंसर इसका फटाफट, अब टाइम नहीं लगाना है बिल्कुल एकदम। आज एक मॉक टेस्ट लेके आते हैं आप लोगों के लिए, बढ़िया शानदार सा।
और इसके बाद मैं कराऊंगा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन जो इरोडोव का है और मुझे बहुत पसंद है। मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को होमवर्क में भी दिया था और दिस इज़ वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ आफ्टर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 106, अंडर रूट यू म्यू जी एल। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया श्रेयस बाबू, बहुत सही। अगर इसको पूरी तरीके से अंदर आना है, इस जगह पहुंचना है, तो मिनिमम है कि मतलब वो जस्ट एंटर कर जाए। अगर वो जस्ट एंटर करता है तो आई वुड से किसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन हर इंस्टेंट पर अलग अलग होगा। जब ये पार्शियली अंदर गया होगा, मान लीजिए इसका एक्स डिस्टेंस जो है वो यहाँ से अंदर गई हुई है, तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो इस पॉइंट से लग रहा होगा, दैट नॉर्मल रिएक्शन इज अगेन स्मॉल एंड दैट इज इक्वल टू एम जी अपॉन एल इंटू एक्स। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग फ्रॉम दिस साइड फ्रॉम द रफ सर्फेस। तो लगने वाला फ्रिक्शन जो होगा दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी अपॉन एल इंटू एक्स। और अगर ये फ्रिक्शन होगा तो वर्क डन इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस का म्यू एम जी अपॉन एल इंटू एक्स डॉट डी एक्स। और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 to L, तो हमें टोटल निकल के आ जाएगा कितना फ्रिक्शन वर्क डन करेगा निगेटिव में। जितना वर्क डन फ्रिक्शन करेगा निगेटिव में उतनी ही काइनेटिक एनर्जी हमको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। फ्रॉम हियर आई कैन से दैट इज म्यू एम जी अपॉन एल सॉरी म्यू एम जी अपॉन एल इंटू एक्स डी एक्स को जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो इट विल बी एल स्क्वायर बाई टू। इट मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। फ्रॉम हियर आई विल इक्वेट द वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेम इक्वल टू वर्क डन वर्क इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रॉम दियर वी कैन सिंपली कैलकुलेट दैट बी वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू जी एल एंड दिस इज द आंसर। नाउ आई एम कमिंग इन ऑन अ वेरी वेरी ग्रेट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ इरोडो 106। इट्स वेरी फाइन क्वेश्चन, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन और ये वन ऑफ अ काइंड है। नहीं आता है तो नहीं आएगा, फिर चाहे कुछ भी कर लो। वन ऑफ अ काइंड बोलने का लॉजिक है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस दो तीन जगह पर पूछे गए हैं। ये एंगल दिया गया थीटा, सॉरी इसमें अल्फा दिया गया, अपन थीटा ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ये एक ब्लॉक है, यहां पर आपको बोला गया स्मॉल डिस्क ए, दिस इज इरोडो 106, स्मॉल डिस्क ए इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइन प्लेन फॉर्मिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल एंड इट इज इंपार्टेड अ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। फाइंड हाउ द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क डिपेंड्स अपॉन द एंगल फाई इफ द फ्रिक्शन कोफिशियंट के इज इक्वल टू टेन अल्फा एंड एट द इनिशियल मोमेंट फाई नॉट इज इक्वल टू पाई बाई टू। याद रखिएगा इस पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी गई, फाई एंगल दिया गया है। फाइंड हाउ द वेलोसिटी ऑफ दिस डिपेंड ऑन द एंगल फाई। एंगल फाई आपका मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट स्लोप से एंगल है। ये पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम के कहीं जाएगा, इसको इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी गई है। किसी भी क्षण पर ये पार्टिकल चलता हुआ कहीं यहां आ गया होगा, इस पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी वी मान लेते हैं उस इंस्टेंट पर। ये लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप ये फाई है, इनिशियल फाई की वैल्यू आपको पाई बाय टू दे दी गई है। फाई इनिशियल इज गिवन एज पाई बाय टू और ये वी नॉट हो गया, ये वी हो गया और आपसे पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ फाई। वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ फाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया मतलब, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता। अब लगा लो दिमाग,
सेंस क्या हो गया भैया, दिमाग लगाओ अभी, सोचो उसको बहुत अच्छे सोचो। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, सॉरी मैंने हिंट नहीं दिया आपको, आई एम जस्ट गिविंग यू द हिंट। इन दिस क्वेश्चन इफ यू टॉक अबाउट, इट्स अ वेरी फाइन क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो इसके ऊपर लगने वाला एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन इसका इधर की तरफ है, तो सबसे पहली चीज है द नेचर ऑफ फ्रिक्शन इज काइनेटिक। कुछ हिंट दे रहा हूं, ध्यान सोचिएगा, नेचर ऑफ फ्रिक्शन इज काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू मोशन और रिलेटिव मोशन। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, तो यू विल से कि सर फ्रिक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड लग रही होगी, जब यहां पे था तो फ्रिक्शन कुछ ऐसे लगा होगा, यहां पर है तो फ्रिक्शन कुछ पीछे की तरफ लग रहा होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। इस पर लगने वाले फोर्सेस की अगर मैं एफ बी डी बनाऊंगा तो मैं बोलूंगा इस पर फोर्स एक एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगा और एक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं अगर यहां यहां पर ध्यान से देखूं मेरे प्यारे बच्चों, ये एंगल फाइ दिया गया, दिस एंगल इज गिवन एज फाइ। इफ आई ड्रॉ द एफ बी डी ऑफ इट आई कैन वेरी सिंपली से कि वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन वुड बी म्यू एम जी कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, एंड हियर इट इज क्लियरली गिवेन द वैल्यू ऑफ म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। इट इज क्लियरली गिवेन दैट वैल्यू ऑफ म्यू इज टेन थीटा। तो फ्रॉम हियर दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर म्यू को मैं टेन थीटा यहां पर लिखता हूं, दैट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा एंड इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो दिस वैल्यू विल बिकम एम जी साइन थीटा इटसेल्फ। तो जो फ्रिक्शन लग रहा है और जो एम जी साइन थीटा इसका ग्रेविटेशन फोर्स है, दोनों की वैल्यू एक जैसी है। ये सबसे बड़ी हिंट है, दिस इज द वेरी यूनिक हिंट जो यहां पर है, क्योंकि यहां पर म्यू की वैल्यू को टेन थीटा बोला गया है इरोडो 106 में। और अब अगर आप इसके एक्सिलरेशन को निकालने की कोशिश करें, क्योंकि बिकॉज इट हैज द एक्सिलरेशन इन टू ऑफ द डायरेक्शन, वन इज द टेंजेंशियल अनदर इज द वर्टिकल डायरेक्शन, तो आपसे पूछा गया है वट इज द वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ फाई। हिंट आपको दे दिया बेटा मैंने, बताओ दिमाग लगाओ। तो क्वेश्चन मैं एक बार बता चुका हूँ जहां तक मुझे याद है, एक बार तो ने बताया ये क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन की यूनिकनेस को समझो, बहुत प्यारी यूनिकनेस इस क्वेश्चन की, इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। चलो भाई आपने कहा सर देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर सोचा जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ दिखाई पड़ती है। अब मैं सब चीज़ें हटाता हूँ, ध्यान से दिखाता हूँ आपको कुछ पता है। मैंने कहा देखो यार ये जो डायरेक्शन है इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन है, अगर मैं एम जी के कॉम्पोनेंट की बात करूंगा तो इधर की तरफ एम जी का कॉम्पोनेंट लगेगा एम जी साइन थीटा कॉस फाई। मतलब अगर मैं इसके टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, जो स्पीड में जो चेंज आ रहा होगा वो किस तरीके से आ रहा होगा उसको समझें, तो आई कैन से यार देखो ये एम जी साइन थीटा कॉस फाई नीचे की तरफ लग रहा होगा, माइनस का एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू एम जी साइन थीटा ही है तो माइनस साइन है। ऑब्वियसली बात है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब डी एक्सीलरेटिंग मोशन है, इसमें एक बहुत बड़ी जब बात हमारे लिए है नहीं,
तो हमने कहा एम जी, सॉरी कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि जी एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जी साइन थीटा बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो किसी भी क्षण पर इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू कॉस फाई माइनस वन। अब एक यूनिक चीज ये देखिएगा, मैंने कहा अच्छा एक बात और बताओ, एक्सिलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है? आपने कहा सर अगर मैं वाई डायरेक्शन में एक्सिलरेशन देखूंगा तो फ्रिक्शन के साथ ये एंगल भी फाइव बन रहा होगा, ये पीछे की तरफ होगा। अगर मैं एक्सिलरेशन इन वाई डायरेक्शन, कीप इट इन माइंड कि इस डायरेक्शन को मैं वाई बोल रहा हूँ, आप इसको एक्स बोलना चाहे आप एक्स बोल सकते हैं, मैंने अभी इसको वाई बोल दिया है, ठीक है, कुछ भी आप बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू। आपने कहा एक्सिलरेशन वाई मतलब डाउन द प्लेन कितना एक्सिलरेशन है, इंक्लाइन प्लेन के डाउन द प्लेन कितना एक्सिलरेशन है, ये आपसे पूछा गया है। आपने कहा सर अगर मैं डाउन द प्लेन बात करूंगा तो एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा, फ्रिक्शन का कॉस फाई कॉम्पोनेंट पीछे की तरफ लगेगा, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर कॉस फाई जो हम लोगों ने अभी यहां पर भी लगाया था। तो आई कैन वेरी सिंपली से अगेन अगर मैं ए वाई की बात करूंगा तो एम जी साइन थीटा नेट फोर्स की बात कर रहे हैं यहां पे अपॉन एम ऑब्वियसली हो जाएगा, तो इट विल बिकम जी साइन थीटा माइनस, फ्रिक्शन की वैल्यू भी एम जी साइन थीटा थी तो जी साइन थीटा कॉस फाई। और ये अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो ये इन दोनों में कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इट इज सिंपली अ फैक्टर ऑफ नेगेटिव। आपने कहा बात तो सही, टेंजेंशियल एक्सिलरेशन की बात की जाए और वाई डायरेक्शन के एक्सिलरेशन की बात की जाए, इफ यू टॉक अबाउट द टेंजेंशियल एक्सिलरेशन एंड वाई डायरेक्शन एक्सिलरेशन, दोनों एक ही जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बोथ आर लुकिंग एज अ सेम, सिर्फ और सिर्फ अंतर किस चीज का आ रहा है? आपने कहा सिर्फ और सिर्फ अंतर जो निकल के आ रहा है वो सिर्फ एक फैक्टर का, वो है माइनस साइन। तो आपने कहा सर अगर मैं इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करूं तो इन दोनों को कैसे रिलेट किया जा सकता है? आपने कहा सर देखो अगर मैं यहां पर बात करूं, क्योंकि फाई के साथ रिलेशन पूछा गया, फाई है क्या? आपने कहा सर फाई जो है वो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी का रिलेशन होगा, तो वी वाई इज इक्वल टू सिंपली वी कॉस फाई। अगर लिखना चाहेंगे तो वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो वी कॉस फाई के तो बराबर होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, फाई की वैल्यू की बात करें तो यहां से ए वाई की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, और इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, ए वाई इज वेरी सिंपली इक्वल टू माइनस का ए टी, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डी वी वाई बाई डी टी इट इज वेरी सिंपली इक्वल टू माइनस का डी वी टी अपॉन डी टी। तो अगर मैं इन दोनों को इंटीग्रेट करता हूं फ्रॉम द बोथ साइड, सो द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विल केम इन टू द पिक्चर एंड आई कैन वेरी सिंपली से वी वाई इज इक्वल टू या वी टी इज इक्वल टू, कहीं पर भी आप एक कॉन्स्टेंट को ऐड कर सकते हैं, वो हम लोग कॉन्स्टेंट निकाल लेते हैं, तो वी वाई इज इक्वल टू माइनस का वी टी प्लस सर्टेन कॉन्स्टेंट सी। आपने कहा सर इसका मतलब वी वाई और वी टी, क्योंकि इन दोनों में बस रेट ऑफ चेंज का फर्क होगा, एक बढ़ रहा होगा एक घट रहा होगा, लेकिन दोनों का घटने और बढ़ने का रेट क्योंकि सेम है तो ये एक लीनियरली रिलेट हो जाएंगे। एंड दिस इज द मोस्ट अमेजिंग कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज हियर, ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी है जो अब आपके सामने लिखी हुई है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इनिशियल वैल्यूज और फाइनल वैल्यूज को देखते हुए कुछ वैल्यूज डालनी है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है और आंसर निकाल लेना है। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, वी वाई की वैल्यू किसी भी इंस्टेंट पर वी कॉस फाई के बराबर होगी, इनिशियली वी वाई की वैल्यू जीरो थी, प्रारंभ में वी वाई की वैल्यू जीरो थी और ये वी नॉट के बराबर था, तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू वी नॉट हो जाएगी। ध्यान से देखिए, देख लीजिए जल्दी से कर लीजिए, मैं लिख देता हूं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है ना। तो वी वाई इज इक्वल टू माइनस का वी टी प्लस सी। आपने कहा कि सर जब इसको इस इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा गया, व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, जब इसको यहां से हमने लीव किया तो इट केम इन दिस मैनर, इनिशियली द वेलोसिटी वाज वी नॉट, एट टी इज इक्वल टू जीरो अगर मैं बात करूं इस कंडीशन की बात करूं तो वी वाई की वैल्यू जीरो थी, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी और टेंजेंशियल वेलोसिटी पूरी की पूरी इस वी नॉट के बराबर थी। तो आपने कहा जीरो इज इक्वल टू माइनस का वी नॉट प्लस सी, तो फ्रॉम हियर वी कैन से सी इज इक्वल टू वी नॉट। पहला, किसी भी इंस्टेंट पर वी वाई की वैल्यू कितनी होगी? आपने बोला वी कॉस फाई होगी, तो वी वाई को मैंने लिख दिया वी वाई इज इक्वल टू वी कॉस फाई अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी वी है तो। तो आई कैन वेरी सिंपली से वी कॉस फाई माइनस इज इक्वल टू माइनस का वी प्लस वी नॉट, फ्रॉम हियर आई कैन से ये वी इधर चला जाएगा, तो वी इंटू वन प्लस कॉस फाई इट इज इक्वल टू वी नॉट।
तो अगर मैं रिलेशन की बात करूंगा तो v इज इक्वल टू v नॉट अपॉन 1 प्लस कॉस फाई, एंड दिस इज द रिलेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द वेलोसिटी v एट एनी टाइम एंड द कॉस फाई. दिस इज द वन ऑफ द वेरी अमेजिंग प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम वन ऑफ इट्स ओन काइंड है. ये इसके तरीके से ही सॉल्व होगी, अपार्ट फ्रॉम दिस इसका कोई तरीका नहीं होगा जिससे आप इसको सॉल्व कर पाए. आप श्रेयांस कल का टॉपिक में अभी अभी लिख दे रहा हूँ, कल कल नहीं परसों का टॉपिक, कल का तो मैं डाल चुका हूँ. हम लोग बात करेंगे वेरिएबल चेन प्रॉब्लम्स या फॉलिंग ऑफ चेन, जहां जहां पर चेन है वहां वहां के कंसेप्ट मैं आपके साथ लेके आऊंगा. फर्दर ऑन तुमको और कोई लगता है तो सर एक क्लास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी वेन एक्सिस इज टिल्टेड बाई एन एंगल थीटा. ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या दिक्कत है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. एक्सिस ऑफ रोटेशन के टिल्ट करने से सिर्फ साइन थीटा कंपोनेंट ही तो टिल्ट होता है यार, क्या दिक्कत आ रही है. ये एक्सिस रोटेशन थी. अब इसके अबाउट अगर बॉडी को या एक्सिस रोटेशन को टिल्ट कर दिया जाए, बॉडी को टिल्ट कर दिया जाए, अगर ये एक्सिस रोटेशन कुछ ऐसे टिल्ट हो जाएगी तो इसका जो डिस्टेंस यहां से पहले एक्स डिस्टेंस था वो इस dx एलिमेंट का यहां से डिस्टेंस जो हो जाएगा वो dx tan थीटा हो जाएगा, x tan थीटा, x sin थीटा, सॉरी थीटा एंगल अगर ये हो गया सो दिस बिकम 90 माइनस थीटा और दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा x cos थीटा अगर थीटा एंगल से इसको घुमा दिया ना. सही बोल रहा हूँ, नहीं सॉरी गलत बोल रहा हूँ, x ये हो गया 90 डिग्री, ये हो जाएगा थीटा, सो दिस विल बी x cos थीटा. यस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो जाएगी. तो इसका जिसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर एम एल स्क्वायर बाई थ्री लिख रहे थे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर एम एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई थ्री लिख दोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो चेंज होगी बेटा श्रेयांस. इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है. क्वेश्चन की फिलोसफी को समझो तो ज्यादा बेटर लगता है, सॉल्व करने के तरीके, फिलॉसफी ऑफ क्वेश्चंस को समझना बड़ा जरूरी है. इज इट फाइन, कैन यू मूव फर्दर, होपफुली मजा आया. तो अभी 2:30 बजे से अगर आपको ईएमआई पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा प्लस पे आके, ईएमआई पढ़ा दूंगा 2:30 बजे से. ईएमआई की क्लास प्लस पे ले लिए, ठीक है चलो. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बढ़िया सा मस्ती से रहें. कुछ प्रॉब्लम जरूर दे देता हूँ आपको जो यूनिक है फ्रिक्शन को लेके इन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स लिख देता हूँ, अगर आप करना चाहें तो जरूर करें. इरोडोफ से आपको प्रॉब्लम जो करनी चाहिए बेटा, दैट इज वन ऑफ वेरी गुड प्रॉब्लम इज 88. 88 की FBD बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चों को इसकी FBD क्लियर होती है. मैं बहुत बता रहा हूँ 1.88 की बात करूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 1.88, 1.88, 1.89, 1.97, 1.99, 1. एक ड्रैग फोर्स पे कंसेप्ट है, इसको जरूर करें 104, इस पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई होती है. वन वन सिक्स से आइडिया उन लोगों को अच्छा लगता है. ये क्वेश्चन ऐसा है, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात कर लेते हैं तो उसमें आदमी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, कैसे देखेंगे 116, 117, ये सारे के सारे अर्थ रोटेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको करने चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई जगह पर पूछे जाते हैं. ठीक है, अगर मैं पाथ फाइंडर की बात करूं तो आप सभी बच्चों को पाथ फाइंडर के
जो क्वेश्चंस करने चाहिए वो हैं, पाथफाइंडर में क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू ऑलमोस्ट सारे करने चाहिए कायदे से। एमसीक्यू ऐसे हम लोगों ने डिस्कस भी किए थे, लगभग सारे डिस्कस हो गए थे। एमसीक्यू डंबल प्रॉब्लम्स हो गई थी, अच्छा डंबल प्रॉब्लम भी मैं कल कराता हूँ, अच्छी सी प्रॉब्लम है ये। एम सी क्यू आपको पूरे कंप्लीट करने चाहिए। आई थिंक इन केस ऑफ पाथ फाइंडर यू शुड कंप्लीट ऑल द एम सी क्यूज फर्स्ट, 1 to 50 ऑल द एम सी क्यूज शुड बी डन। अपार्ट फ्रॉम दैट पैसेज आपको करने चाहिए दोनों, ठीक है। कि तो आप बाकी इच्छा के ऊपर जितना कर सको, तो करने की लिमिट नहीं है, बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन पढ़े, बाकी सब क्वेश्चन अच्छे हैं, बाकी इच्छा के ऊपर पैसेज कर लीजिए, ये कर लीजिए सफिशेंट। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, पढ़ाई को मस्त रहो मस्ती में। चला दे रहे यार कंट्रोल W, ओके थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ऐसा लगता है सांस में सांस आ ही रहे हो। अब देखो कंसेप्ट बहुत प्यारा है, इसलिए कंसेप्ट को बहुत अच्छे समझेंगे, एंड दिस कंसेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हेलो देवांश, हेलो एवरीबॉडी, तो आप सभी बच्चे आ चुके हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि अब सब लोग बहुत ध्यान समझना, अब कुछ टाइम के लिए कोई बकवास नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दिया जाएगा। कंसिडर पार्टिकल ऑफ मास एम, अगर हम इस पूरे कंसेप्ट की बात करें, पार्टिकल इन अ बॉक्स कंसेप्ट की बात करें, तो दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। इसको जो बोला जाता है, दिस कंसेप्ट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। मतलब क्या हो गया, जैसे हम आपसे पूछते हैं, और इस कंसेप्ट को पार्टिकल इन अ बॉक्स कंसेप्ट को बहुत अच्छे समझने के लिए छोटी छोटी बातों को समझिएगा, और कृपया करके कोई ये ना सोचे कि सर एक बार एक क्वेश्चन आ गया तो दोबारा ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। मैंने प्रूफ करके आप सभी को दिखाया था, एक बार INPHO में क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो, जिसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी लिबरेट हो रही थी, रेडिएशन और ग्रेविटेशन फील्ड लाइंस पर बेस्ड क्वेश्चन आया था, और दूसरा क्वेश्चन फिर आया जिस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडिएट हो रही थी अभी 2021 में। दोनों के दोनों सेम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं, तो INPHO में भी अगर कोई क्वेश्चन किसी टीचर को बड़ा अच्छा लग जाता है तो वो दोबारा भी पूछ लेते हैं। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स इज आल्सो वन ऑफ द यूनिक कंसेप्ट, जिस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो हर एक तरीके के क्वेश्चन जो जो पॉसिबल है उनको इसी क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे हर एक एस्पेक्ट को समझा जा सके, राइट। तो जल्दी से आ जाइए, किसी को उनमें कोई परेशानी कोई शंका कोई आशंका हो तो बता दीजिएगा भैया। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं, पार्टिकल इन अ बॉक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा पार्टिकल जो एक बॉक्स के अंदर बंद है, इट इज कन्फाइंड टू मूव ओनली इन सिंगल डायरेक्शन, दैट इज लेट्स से इट इज एक्स डायरेक्शन। इट कैन नॉट पेनिट्रेट दीज वॉल्स, इन वॉल्स से निकल के बाहर नहीं जा पाएगा, और ये पार्टिकल यहां पर ऑसिलेट करता रहेगा, लगातार घूमता रहेगा। तो श्रोडिंगर ने, क्योंकि श्रोडिंगर बात कर रहे थे वेव फंक्शन की, प्रोबेबिलिटीज की, कि किस तरीके से पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी कहां पर नहीं होगी,
तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से जितने भी बहुत श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इटसेल्फ अ वेरी बिगर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट गिव्स यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रिजल्ट बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन. हर एक अलग अलग सिचुएशन पे वो आपको एक अलग अलग रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, पोटेंशियल के फंक्शन के साथ, टाइम के फंक्शन के साथ, कि कहाँ पर किस समय पर उसके कहाँ पर रहने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है. तो देर आर रेंज ऑफ रिजल्ट जो पॉसिबल है. वो हमारे से थोड़े से दूर है क्योंकि हम लोग बहुत दूर से श्रोडिंगर को पढ़ते हैं, बहुत करीब से श्रोडिंगर को हम लोग पढ़ते नहीं है. फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं कभी कभी, डिपेंड अपॉन द टीचर, किस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा देते हैं मतलब. लेकिन ऐसा बोला जाए कि बहुत डेप्थ में कोई पढ़ाता है तो मुझे नहीं लगता कोई डेप्थ में हम लोग पढ़ते हैं इस 12th के सिलेबस तक, सिलेबस में इसे नहीं पढ़ते हैं. अब होता क्या है, बेस्ड ऑन द श्रोडिंगर सॉल्यूशन, श्रोडिंगर ने डिफाइन किया कि देखो अगर ये पार्टिकल यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है एक सिंगल फेज में, तो और इसको बुलाता है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल. तो सबसे पहले पोटेंशियल वेल का कंसेप्ट समझना क्या था और ये चीज क्या है, इसको एक बार थोड़ा ध्यान से समझ लेना और क्वेश्चन बीच में लिखा है इसको पढ़ते रहना. पोटेंशियल वेल का मतलब जैसे हम लोग बात करते थे कि अगर हम वी एक्स का ग्राफ बनाते तो कुछ ऐसा ग्राफ बना देते थे, तो हम बोलते थे ये पार्टिकल जो है वो यहां पर ऑसिलेट करता रहेगा बिटवीन दीज टू एक्स वन एक्स टू जब तक ये इन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा. तो ये पार्टिकल यहां से निकल के अगर इसको क्रॉस कर गया तो फिर इनके बीच में ये ऑसिलेट नहीं करेगा. ये हमारे एनर्जी का कर्व बनता था. मैं एक बार थोड़ा सा अच्छे से बना के दिखाता हूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. जनरली हम लोगों ने पोटेंशियल की जो भी ग्राफ बनाए हुए हैं वहां पे हम लोगों ने इस तरीके ग्राफ बनाते हुए देखा है. अब मान लेते हैं कि ये इसका सबसे लोअर पोटेंशियल है, ये किसी x बराबर 10 पे है और ये x बराबर कुछ 2 है मान लेते हैं, ये कुछ x बराबर 20 है मान लेते हैं. यहाँ पर एनर्जी इसकी मान लीजिए कि 50 जूल्स है, ये एनर्जी लेवल आपका 60 जूल्स है, ये एनर्जी लेवल आपका -20 जूल है या -10 जूल है. अब आपसे पूछा जाए कि x बराबर 10 पर पार्टिकल को कितनी मैक्सिमम एनर्जी दे दी जाए सच दैट इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग. आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, पोटेंशियल वेल पर बेस्ड है क्वेश्चन. आपसे पूछा गया कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एनर्जी दैट कैन बी गिवन टू द पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल टू 10. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना हो जाए सच दैट ये ऑसिलेट करे. तो आपने कहा देखो काइनेटिक एनर्जी इतना दे दो ताकि ये -10 से खींच के 50 से पार ना जाए, 50 से कम ही रहे. ऑसिलेट करना है तो वो उसको इनके बीच में ही कर सकता है, इन 50 और 60 के बीच में. अगर आपने एनर्जी, तो आपने कहा देखो सर इसका एनर्जी लेवल का डिफरेंस 60 जूल का है, तो अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी लेस देन 60 जूल रहेगी तब तो वो इसको पार करके नहीं जाएगा इस एनर्जी बैरियर को, और अगर इससे ज्यादा हो गई तो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके चला जाएगा, पार्टिकल विल नॉट ऑसिलेट. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द पोटेंशियल वेल जो हम लोगों ने जनरली वर्क ऑन एनर्जी के अंदर हम लोग देखते हैं, कुछ ना कुछ बातें आपको बताते रहते हैं. अपने S1 में ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने दिए हुए जो हमारे सीट S1 हमने आपके साथ शेयर करी, उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और काफी ज्यादा ये क्वेश्चंस हमने पूछे भी हैं. अब जब पार्टिकल इनको निकल के जा ही नहीं सकता है तो इसको नाम दे दिया जाता है इनफाइनाइट वेल. क्या बोल देते हैं बेटा इसको, इनफाइनाइट वेल. तो अब इस वेल के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं. क्या चेंज कर रहा हूं, स्ट्रक्चर चेंज करो, ध्यान से देखिएगा. आई एम जस्ट चेंजिंग द स्ट्रक्चर ओवर हियर. अब उन्होंने क्या कहा, देखो भैया जब पार्टिकल को बाहर ही नहीं जाना तो यहां पर ये दो पॉइंट पर सीधे ये भी इनफाइनाइट, इन दोनों एंड पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी इनफाइनाइट होगी. मतलब ये पार्टिकल कुछ भी कर ले ये इनफाइनाइट एनर्जी को नहीं रीच कर पाएगा, इसको क्रॉस करके नहीं जा पाएगा. Thus it will keep oscillating between these two junction point. Let's say इस एंड को x बराबर 0 बोल दिया जाए, इसको x बराबर l बोल दिया जाए, जो इसकी लेंथ l दे दी गई है. अब उन्होंने सारी कंडीशन डिफाइन की है. उन्होंने बोला consider particle of mass m confined to one dimensional box of length l. The particle moves in the box with momentum p, colliding elastically with the walls. We consider the quantum mechanics of the system as far as possible. Express your answer in terms of alpha that is equal to h square upon 8m. At each energy state, the particle may be represented by a standing wave given by the de Broglie hypothesis.
एक्सप्रेस इज वेवलेंथ लैम्डा डी बी डी ब्रॉगली इन टर्म्स ऑफ एल इन एनथ एनर्जी स्टेट. उसके एनथ एनर्जी स्टेट में क्या होगी आपसे पूछा गया. अब आपने कहा इसका मतलब पार्टिकल अगर स्टैंडिंग वेव के में फॉर्म करेगा तो यहां पर नोड बनेगा, यहां पर नोड बनेगा. आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है. अगर यहां नोड बनेंगे तो पहली पॉसिबिलिटी जो होगी, जो एनर्जी लेवल पहला पॉसिबल है, वो तो यही वाला है. आपने कहा बिल्कुल सही बात है. तो अगर मैं एनर्जी लेवल वन की बात करूं, कि आपने बोला है कि आप बताइए कि जब वो अपने एनर्थ एनर्जी स्टेट में होगा, तो आपने कहा सबसे पहले बेसिक एनर्जी स्टेट में होगा E1, तो यहां पर इसका लैम्डा जो होगा, ये लैम्डा बाई टू जो होगा वो एल के बराबर होगा. सेकेंड स्टेट जब आएगी तो पार्टिकल कुछ ऐसे मूव करेगा. हमने हार्मोनिक्स पढ़े हुए हैं. आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू एल. सिमिलरली अगर मैं थर्ड की बात करूंगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 3λ/2 इज इक्वल टू एल हो जाएगा. तो अगर हम यहां से बात करेंगे तो आई कैन वेरी सिंपली से लैम्डा एट एनथ कितना हो जाएगा. आप बोल सकते हैं इट इज इक्वल टू 2L/N. तो आपने कहा लैम्डा डीबी की जो वैल्यू हो जाएगी, ये अपन ने बहुत बार पढ़ा भी हुआ है कि अगर स्टैंडिंग वेव है तो लैम्डा डीबी विल बी इक्वल टू 2L/N, दैट इज एनथ इज द एनथ एनर्जी स्टेट. लैम्डा की वैल्यू, क्योंकि उसका मोमेंटम पी है, तो हमको बाय डी ब्रॉगली पता है, बाय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, दैट मोमेंटम पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा. सो लैम्डा की वैल्यू जो हो जाएगी वो एच अपॉन पी के बराबर हो जाएगी. तो यहां से अगर हम बाएं तो लैम्डा को एच अपॉन पी लिख सकते हैं. आपने कहा बिल्कुल ठीक है. तो आप यहां से लैम्डा को एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2L/N. आपने कहा सर ये पहला एक्सप्रेशन आया, दिस इज द फर्स्ट गेम ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बोल मेरे भाई, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई अशंका हो किसी को तो पूछ लीजिएगा यहीं पे. अगर आपको कुछ भी शंका लगे, नहीं लगे, एनथ हार्मोनिक की बात होगी, दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज द गेम ऑफ एनथ हार्मोनिक. चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं. उन्होंने बोला राइट द एनर्जी ऑफ द एनथ एनर्जी स्टेट. आपने कहा एनर्जी कितनी होगी. आपने कहा एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर, क्योंकि पार्टिकल है तो उसके बाद एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर. एम बी स्क्वायर अगर मोमेंटम के टर्म्स में लिखा जाए तो लिखा जा सकता है पी स्क्वायर अपॉन 2m. आपने कहा सर मोमेंटम के टर्म्स में क्यों लिखा. मैंने कहा मोमेंटम के टर्म्स में सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि मोमेंटम के टर्म्स में ही अपने को वैल्यूज पता है अभी लैम्डा को. तो आपने कहा देखो सर पी को हमने लिख सकते हैं एच अपॉन लैम्डा. इट इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज एच अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू 1/2m. और लैम्डा को लिखा जा सकता है 2L/N. तो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4L/2. एक सेकेंड, लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं 2L, तो ये हो जाएगा 4L/2 इंटू 2m. सो वैल्यू विल बिकम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8L/2m. दिस इज द एनर्जी ऑफ द nth स्टेट. देखिए कितना आसान है. पहला दो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल हो गए. किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो बताना. एनर्जी सिंपल सी चीज लिखी है मैंने, हाफ एम वी स्क्वायर, पार्टिकल उसके अंदर होगा. अगर nth ऑर्बिट में कर रहा होगा तो इट इज वेरी सिंपल डिफाइंड एज एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8L/m. देख लो बेटा यहां तक किसी को परेशानी तो नहीं है कोई. ठीक है चलो वेरी गुड. अब आते हैं नेक्स्ट. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. ये क्वेश्चन है जो अब आपको पार्टिकल इन अ बॉक्स की कहानी को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला है. बोला गया लेट देयर बी एन मास एम, एक कोई एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एन इलेक्ट्रॉन्स इन दिस बॉक्स वेयर एन इज एन इवन नंबर. एन क्या है, इवन नंबर है. अब इवन नंबर क्यों दिया गया इस बात को समझो, क्योंकि यहां पर उस चीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट है. दो नंबर का क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन है ना. ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द लोवेस्ट पॉसिबल टोटल एनर्जी यू नॉट.
टोटल एनर्जी यू नॉट ऑफ द सिस्टम दैट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द एन पार्टिकल सिस्टम नेग्लेक्ट कूलॉम्बिक इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के बीच के कूलॉम्बिक इंटरेक्शन घटा दीजिए और बताइए कि लोवेस्ट सिस्टम किस तरीके से बैठ सकता है। तो लैग क्यों है या भाई ये समझ करो यार। अभी सही है क्या? ठीक है ना बच्चों? ओके ओके ना फाइन ओके। अब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहां पे दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की गई, वो क्या है? एक तो सबसे पहले लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी। आपने कहा सर देखो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी का मतलब होता है स्टेबल पॉसिबल सिस्टम। कुछ डिकोडिंग टर्म समझो, स्टेबल पॉसिबल। सबसे लोवेस्ट क्या पॉसिबल है? आपने कहा जो सबसे स्टेबल होगा वो सबसे लोवेस्ट एनर्जी पर होगा। अगर हम सबसे लोवेस्ट की बात कर लें तो क्या हम लोग इस बात को भी बोल सकते हैं? यस ओके ओके ओके। अगर हम लोग इस बात को बोल लें तो हम लोग इस चीज को भी बहुत क्लियरली समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सिस्टम को मुझे सेट करना पड़ रहा है वापस से, एक सेकेंड। हाँ तो अब अगर मैं बात करूं स्टेबल पॉसिबल, स्टेबल पॉसिबिलिटी कब होती है? कि इलेक्ट्रॉन विल स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। स्टेबल ऑर्बिट वही होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन इन पेयर एग्जिस्ट करे, और जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो वो एक ऑर्बिट से निकल के इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, अनपेयर्ड स्टेट में आ जाएंगे। वही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वही एक्साइटेड स्टेट आ जाती है। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर। तो आपने बोला इसका मतलब जो एक स्टेट होगी जहां पर एक पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ये टोटल स्टेट कितनी होगी? आपने कहा सर टोटल इसमें दो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, एक आगे एक दूसरा पीछे, ताकि एक दूसरे को बैलेंस कर सके, काउंटर क्लॉकवाइज में घूमते हुए कर रहे होंगे ताकि स्पिनिंग कंट्रोल हो जाए एक दूसरे की। आपने कहा सर ये वाली बात तो समझ आती थोड़ी बहुत, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। तो आपने कहा सर देखो आपने भी डिफाइन किया है एनर्जी ऑफ एनथ लेवल। कहां डिफाइन किया? आपने कहा देखो सर ये डिफाइन किया, क्या है ये? आपने कहा एनथ लेवल पर जो अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एल स्क्वायर एम। आपने कहा सर देखो यहां पर एक बढ़िया सा टर्म और है जो आपको स्टार्टिंग बोल दिया था कि एच स्क्वायर अपॉन एट एम को आप चाहो तो अल्फा ले लो ताकि बार बार आपको टेंशन ना हो। तो आपने कहा सर देखो यहां पर एच स्क्वायर अपॉन एट एम दिखाई पड़ रहा है, इसको अल्फा लिख लेते हैं। तो आपने कहा सर अल्फा बराबर अगर एच स्क्वायर अपॉन एट एम लिख लिया जाए तो यहां एन स्क्वायर एल स्क्वायर बन जाएगा, अल्फा इंटू एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो आपने कहा सर देखो सिर्फ एन के स्क्वायर पर डिपेंडेंट है एनर्जी लेवल, तो फर्स्ट में दो, सेकंड में दो, थर्ड में दो, फोर्थ में दो, इस तरीके से एनर्जी लेवल हो जाएगी सभी के। तो आपने कहा दो दो इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स कितने हो जाएंगे? तो आपने कहा नंबर ऑफ लेवल्स हो जाएंगे क्योंकि एन थे तो एन बाई टू। ये स्टेबल होंगे, होने कितने हो सकते हैं? आपने कहा होने को हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग घूमे, ये तो उसकी चॉइस है। होने को कितने हो सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछा जाए कि अगर एक पार्टिकल एक सिस्टम के अंदर, एक पार्टिकल इन अ बॉक्स के अंदर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो किस ऑर्बिट में होगा या किस एनर्जी लेवल पे होगा? आपने कहा सर जिस जहां मन करेगा वो उस एनर्जी लेवल पे होगा, जिस जितनी एनर्जी उसके पास होगी वो उस लेवल पे घूम रहा होगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन हाँ अगर आप मेरे से कहोगे स्टेबल कितना होगा, स्टेबिलिटी कहां पर होगी, तो ग्राउंड स्टेट में स्टेबल होगा, लोवेस्ट एनर्जी होगी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और एन पार्टिकल का ग्राउंड स्टेट बनेगा क्या? आपने कहा जब सबके सब दो 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 के सिस्टम में अरेंज हो जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड एज द ग्राउंड स्टेट। आपने कहा मतलब, मैंने कहा देखो यार सब देखो फर्स्ट स्टेट पे दो आ गए, फिर दो, फिर दो, फिर दो। आपने कहा ये हो गया ग्राउंड स्टेट, याद रखिएगा इसको, ये ग्राउंड स्टेट बन गया। ऐसे एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अरेंज होते जाए, एक दो तीन चार, तो आपने कहा यह ग्राउंड स्टेट है। लेकिन जरूरी कि सब ऐसे ही रहे? तो आप बोलेंगे सर जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स गैलेक्सी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरूरी बिल्कुल नहीं है, ये हो सकता है। तो आपने कहा फॉर स्टेबिलिटी एन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो होगी एन बाई टू, और एन बाई टू और एक पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो एनर्जी ऑफ एनथ लेवल कितनी होगी? आपने कहा सर एक पे दो इलेक्ट्रॉन तो देखो दो का गुणा कर दो और अल्फा इंटू एन स्क्वायर, सॉरी
आपने कहा किसी भी एक एन पे जो एनर्जी हो जाएगी वो अल्फा इंटू एन स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात, तो ऐसे सभी भी होगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात, तो सबको जोड़ दे तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई यू नॉट, तो आप बोलेंगे फर्स्ट की प्लस सेकेंड की प्लस थर्ड की सबकी एनर्जी जुड़ जाएगी। सो इट वुड बी सिंपली डिफाइंड एज टू इंटू अल्फा अपॉन एल स्क्वायर, बाहर आ जाएगा वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो दिस इज सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, एन प्लस एन अपॉन कहां तक जोड़ेंगे, आपने कहा सर इसको जोड़ देंगे एन बाई टू तक। अब टू लास्ट टर्म क्या होगा, आपने बोला एन बाई टू का होल स्क्वायर, लास्ट टर्म एन बाई टू का होल स्क्वायर, तो अब लास्ट टर्म एन बाई टू का होल स्क्वायर हो गया, तो सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू लगा देते हैं। तो अब आइए इसको यहां पर लिख देते हैं, तो टोटल एनर्जी लेवल कितना हो गया, आपने कहा सर टोटल एनर्जी लेवल हो जाएगा, देख लीजिएगा कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जहां तक मुझे लगता है, टू अल्फा अपॉन एल स्क्वायर तो बाहर हो गया एन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, ये होता है ना शायद एन बाई टू प्लस वन, टू इंटू एन बाई टू प्लस वन अपॉन सिक्स, शायद यही होता है एनर्जी लेवल। एक बार देख लीजिए बच्चों सही लिखा मैंने, कुछ गलत तो नहीं लिखा है। नहीं बेटा एक बार सब बच्चे देख लीजिएगा कैलकुलेशन सही है क्या, शायद यही बनता है जहां तक मुझे। अब इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू लिख दे, थोड़ा सा राइटिंग गंदी हो रही है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज टू अल्फा अपॉन एल स्क्वायर एन बाई टू, ये बाई टू से बाई टू को निपटा दिया जाए, वन प्लस वन ये इससे यहाँ पे निपट जाएगा, ये दो भी निपट गया और ये n बाई टू इधर चला जाएगा, तो n प्लस टू हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा n इंटू, ये क्या हो रहा है इसमें, n इंटू n प्लस वन प्लस n प्लस टू अपॉन चौधरी 12, ये दो तो हट गया इसको हटा यहाँ से 12। सो दिस विल बी द एनर्जी लेवल यू नॉट ग्राउंड स्टेट पर जो आ गया। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है सर, ये ग्राउंड स्टेट का अपना एनर्जी लेवल सेट हो गया, इसमें कोई दिक्कत। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेशन सब सेट हो गई अपनी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, चलो भाई देखते रहना है ना, कैलकुलेशन कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहिएगा फिर भी जाता के सही है सब कुछ, फिर भी कई बार क्या होता है, कई बार कुछ गलत हो जाती है चीज़ें भूल जाते हैं गुट्टम कहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसी का डीप पार्ट, एक्सप्रेस द टोटल एनर्जी यू वन इन टर्म्स ऑफ यू नॉट एंड द रिलेवेंट क्वांटिटीज व्हेन द सिस्टम इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, also express the u2 in terms of the u0 the relevant quantities when the system is in second excited state। system develop karte hain pehle, hai na, koshish karta hu main horizontally ye pura system banate hain। aapne kaha sir dekho n electrons the to n electron kaise arrange ho gaye, aapne kaha sir n electron arrange ho gaye ek dusre ke opposite spin mein, this is called as the most stable system, theek hai na, ये अपने को समझ में आ गई थी कहानी, स्पिन नंबर एक दूसरे का बैलेंस कर रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बैलेंस करते रहे, ऐसे अप टू एन बाई टू तक ये बैलेंसिंग चल रही है। लास्ट फिगर जो आएगा वो एन बाई टू का आएगा, ये फर्स्ट हो गया फर्स्ट लेवल, सेकेंड, थर्ड और ये हो गया लास्ट का n बाई टू। अब आपसे बोला गया पहला एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, आहा वेरी गुड देवांगन वेरी गुड। आपने कहा सर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो अपने एक्साइटमेंट जोन में चला जाए। आपने कहा सर देखो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन ये है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझना, सबसे बाहर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, अलग अलग पेयर हो जाएंगे, अलग अलग उसमें चले जाएंगे ऑर्बिटल्स में। तो आपने कहा सर n बाई टू का, आपने कहा इसका मतलब यहां तक का तो सिस्टम सेम रहा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सिर्फ क्योंकि एक एक्साइटमेंट हुआ है तो इसके इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट होकर दूसरे ऑर्बिट चला जाएगा एंड इसके बाद जो ऑर्बिट होगी दैट इज कॉल्ड एज n बाई टू प्लस वन, ये इसमें पहुंच गया।
तो आपने कहा सर इसका मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का लफड़ा हो गया यू वन में, तो आपने कहा यू वन का मतलब क्या हो गया, आपने कहा यू नॉट से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, कहां का माइनस कर दो, आपने कहा सर एन ऑर्बिट का माइनस कर दो, एन बाई टू ऑर्बिट का, माई मिस्टेक, एन बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर की एनर्जी माइनस कर दो, और एनर्जी कहां की दे दो, आपने कहा एन बाई टू प्लस वन की दे दो, सबसे आसान। अगर अगर कुछ करना ही नहीं इसमें तो फर्स्ट से सेकंड में गया है, दो अंपेयर हो गए, आपने कहा n by 2 का इलेक्ट्रॉन n by 2 प्लस 1 में चला गया है, तो n by 2 की एनर्जी खत्म करो, n by 2 प्लस 1 की एनर्जी दे दो, वही एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई होगी, वही तो एक्स्ट्रा एनर्जी आई है, आपने कहा इक्वेट कर दो, काम खत्म, पिक्चर क्लोज, करो भाई जल्दी से, और इसी के हिसाब से सेकंड वाला आपको बताना है, जल्दी से कैलकुलेशन करिए, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, 2 मिनट्स का समय दे रहा हूं, सेकंड U2 का आंसर आपको देना है, सभी को, सभी बच्चों को U2 का आंसर देना है। आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आपने कहा सर आप सेकंड एक्साइटमेंट करेंगे, ये दोनों तो ऐसे हो गए, अब ये कहानी ऐसे बन गई, अब इसके बगल वाला इलेक्ट्रॉन यहां से जो अनपेयर्ड था, मतलब n by 2 माइनस 1 का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, बाकी की सब एक जैसी हो गई, अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया है, यहां से क्या हो गई है, एन बाई टू माइनस वन का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हुआ, लेकिन इसने अपने आगे वाले को पेयर्ड कर दिया क्योंकि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी था, तो अब चेंज किसमें आ गया, आपने कहा सर देखो इसका चेंज देखा जाए तो एन बाई टू माइनस वन से सीधे एन बाई टू प्लस वन चला गया, ये वाला तो चेंज क्योंकि एन बाई टू तो वापस वैसे को ऐसा हो गया जैसे पहले था, तो आपने कहा अगर मैं यहां पर बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो मैं लिख सकता हूं यू नॉट माइनस अल्फा इंटू एन बाई टू माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इससे माइनस करो और प्लस कर दो एन बाई टू प्लस वन अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी यहां पे भी स्क्वायर होगा, and this is what we can tell about right now, n by 2 minus 1 से निकालो n by 2 plus 1 पे डाल दो, आपने कहा सर ये क्वेश्चन सिर्फ इतनी छोटी सी कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से 3.5 नंबर की पूछी गई थी, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दिस कंप्लीट क्वेश्चन जो था वो 10-12 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें लगभग 3.5 नंबर सिर्फ इसी के थे, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था बेटा, काफी बेहतर क्वेश्चन था, वेरी गुड वेरी गुड देवांगन, वेरी गुड वेरी गुड श्यांश, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, भाग्य नलायक आदमी है, आज इसको अच्छी चीज पढ़ा रहा था उसमें भाग्य आई है, आपने कहा चलो ठीक है, अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर और इसका लास्ट जो फंक्शन है उसको भी समझ लेते हैं, आपने कहा सर देखो भाई यहां पर बोला गया व्हेन द सिस्टम इज इन द ग्राउंड स्टेट लेट द लेंथ ऑफ द बॉक्स चेंजेस स्लोली फ्रॉम एल टू एल माइनस डेल्टा एल, इसको चेंज करके एल माइनस डेल्टा एल कर दिया गया, एल से स्लोली स्लोली इसको एल माइनस डेल्टा एल पर ले आए, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच वॉल इन टर्म्स ऑफ यू नॉट, हिंट तुरंत दे दी गई कि यू नॉट के टर्म्स में बताओ, इसका मतलब चेंज ऑफ एनर्जी की बात की जा रही है,
और एफ जो होगा फोर्स, क्योंकि भैया कोलिजन कैसे कोलिजन हो रहा है इसकी कुछ बात की नहीं गई, तो हम उस थॉट में सोच नहीं सकते, क्योंकि जैसे हमारे दिमाग में फोर्स की बात आई, फोर्स की बात आते ही हमारे दिमाग में एक चीज टकराती के साथ टकराएगा, मोमेंटम चेंज होगा फोर्स। तो क्या एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टकरा रहे होंगे, एक सेकंड में कितने टकरा रहे होंगे, किस वेलोसिटी से चल रहे होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड कितना हो रहा होगा, एक कई बच्चों के उनमें थॉट इस तरीके से अराइज होते हैं कि सर कुछ इस तरीके से भी गेम हो रहा होगा क्या। अगर इस तरीके से थॉट अराइज हो रहा है मन के अंदर, तो आपके पास सॉल्यूशन को समझ में नहीं आ रहा। एक तो आंसर यू नॉट के आंसर पूछ लिया है, तो एक डायरेक्टली यहां से दिखाई पड़ जाता है कि यार पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के रिलेशन की बात कर सकते हैं, वहां से अपना डायरेक्ट आंसर चमक जाएगा। तो अगर हम पोटेंशियल और फोर्स की बात कर ले, तो एफ बराबर माइनस का डी यू अपॉन डी एक्स भी लिखा जा सकता है। आपने कहा सर एक तो ये कहानी है, क्योंकि यहां पे एल है तो डीएल लिख देंगे। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि बाकी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी और पार्टिकल के वेलोसिटी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये समझ पाना थोड़ा सा हम लोगों के लिए मुश्किल, क्योंकि एन नंबर ऑफ पार्टिकल से हर एक अपने हिसाब से घूम रहा है, तो हर पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग अलग हो जाएगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, तो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि हर एक एनर्जी लेवल पे पार्टिकल का मोमेंटम अलग अलग होगा, पार्टिकल का मोमेंटम अलग अलग होगा, तो एक बड़ा सा रहता फैल जाए। आप लोग सर यहां से लिख सकते हैं, लेकिन मुझे यू की वैल्यू जो पता है, एनर्जी जो एनर्जी लेवल हमने निकाला हुआ है, इट सिंपली डिफाइंड एज कितना आया था एनर्जी लेवल हमारा, एक सेकेंड, अल्फा अपॉन एल स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन 12। तो इसका एनर्जी लेवल जो यहां से निकल के आ गया था हमारा, दैट एनर्जी लेवल इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज, अगर हम यहां पर देखें, एक सेकेंड हो जाएगा, अल्फा अपॉन एल स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन 12, ठीक है ना। तो अल्फ यू हो गया अल्फा अपॉन एल स्क्वायर इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन टू अपॉन 12, राइट, दिस इज व्हाट द एनर्जी लेवल इज ऑल अबाउट। आपने कहा सर एन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, जो भी चेंज हो रहा है वो एल स्क्वायर में चेंज हो रहा है। तो अगर हम इसको डी यू बाई डी एल निकालने की कोशिश करेंगे, तो आई कैन वेरी सिंपली से, इफ इट इज डी यू बाई डी एल, आई कैन वेरी सिंपली से एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन 12, वन अपॉन एल स्क्वायर की बात की जाएगी तो माइनस का डी एल अपॉन एल क्यूब बन जाएगा, माइनस का टू डी एल अपॉन एल क्यूब, सॉरी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यही बन जाएगा ना बेटा, डी बाई डी एल इज इक्वल टू अल्फा अपॉन एल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो अल्फा अपॉन 12 इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटा माइनस का टू डी एल अपॉन, डिफ्रेंशिएट करना तो माइनस का टू अपॉन एल क्यू, डी एल तो इधर आ ही गया। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, तो अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो आई कैन वेरी सिंपली से कि टू अपॉन एल क्यू हो जाएगा, तो टू अपॉन एल अगर मैं बाहर निकाल लूं तो एफ बराबर माइनस का डी यू बाई डी एक्स होगा, तो इसमें माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स यहाँ पर हो गया, तो एक माइनस और आ गया प्लस हो गया, तो इट इज सिंपली इक्वल टू अल्फा अपॉन 12 इंटू एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन एल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया अपॉन एल स्क्वायर इंटू टू अपॉन एल, और इस पूरे के पूरे टर्म्स को अगर ध्यान से घूरा जाएगा तो वापस से यू नॉट लिखा जा सकता है। तो फोर्स की जो वैल्यू यहां से तड़कती भड़कती मटकती हुई आ जाएगी, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज एफ इज इक्वल्स टू टू अपॉन एल यू नॉट। एफ को हम लिख सकते हैं डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एल, माइनस का डी यू अपॉन डी एल, डिफ्रेंशिएट करके हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, इट इज नॉट अ बिग डील, बिल्कुल सिंपल, डिफ्रेंशिएट कर दिया आंसर निकल के आ गया। अब यहां पर ये एक बेसिक क्राइटेरिया जो है, यहां पर इन क्वेश्चंस की फंडामेंटल बातचीत जो है वो पार्टिकल इन द बॉक्स की कहानी जो है वो मोटी मोटी समाप्त हो जाती है। मेजरली पार्टिकल इन द बॉक्स की जो कहानी है वो इसके पहले वाले क्वेश्चन में समाप्त हो जाती है, ये उस क्वेश्चन को एक्सटेंड किया गया है विद द फर्दर एजम्पशंस, राइट, मतलब उस फर्दर जो क्वेश्चन है उस बेस्ड ऑन उस वैरायटी को आपने और एक्सटेंड कर दिया गया, इसी वैरायटी को और एक और क्वेश्चन एक्सटेंड किया उन्होंने एफ। एज्यूमिंग एन इज वेरी लार्ज, उन्होंने बोला एन को बहुत लार्ज मान लो, तो रेशियो बताओ आर किसका, डी यू नॉट अपॉन डी एन का। आपने कहा सर यू नॉट की जो वैल्यू है वो हमने अभी निकाली हुई है, एंड दैट इज अल्फा अपॉन एल स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू अपॉन 12। आपने बोला है कि डी
यू नॉट अपॉन डी ए एन की वैल्यू निकालो टू द एनर्जी लेवल ऑफ द हाइएस्ट ऑक्यूपाइड ग्राउंड स्टेट. डी यू डॉट अपॉन डी एन की वैल्यू क्या होगी टू द एनर्जी लेवल ऑफ हाइएस्ट. तो आपने कहा हाइएस्ट ऑक्यूपाइड स्टेट कौन सी होगी ग्राउंड स्टेट में, तो आपने कहा हाइएस्ट एनर्जी स्टेट जो है वो एन बाई टू है. हाइएस्ट एनर्जी स्टेट क्या है, आपने बोला सर एन बाई टू. और एनर्जी लेवल एनएथ का क्या होता है, आपने कहा सर सबसे पहले निकाला था एनएथ का एनर्जी लेवल स्टेट कितना था, अल्फा इंटू एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, राइट. तो एन बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये हम लोग सबसे पहले ड्राइव किया था, राइट. ये आ गया था, दिस इज द एनएथ. तो अल्फा इंटू एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, आपने कहा एन बाई टू के लेवल की बात करोगे तो हम यहां से बोल सकते हैं. तो एनएथ का आ गया अल्फा इंटू एन बाई टू का स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, दैट इज सिंपली इक्वल टू अल्फा इंटू एन स्क्वायर अपॉन फोर एल स्क्वायर, आपने कहा बिल्कुल ठीक है. अब डी म्यू नॉट अपॉन डी यू नॉट अपॉन डी एन और एन को बहुत बड़ा मानते हुए निकालो, ग्रेटर देन वन के कंसिडर करते हुए. आपने कहा सर अगर एन बहुत बहुत एन से वन से बड़ा हो गया तो एन प्लस वन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एन हो गया, भाई एन प्लस टू भाई इतना बड़ा अगर मानना ही है, एजम्पशन लेने को बोली दिया तो इसको एन मान लेंगे, अपना क्या जा रहा है. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बाय एजम्पशन आई कैन से यू नॉट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा अपॉन एल स्क्वायर इन टू एन क्यूब अपॉन ट्वेल्व. एंड फ्रॉम हियर आई कैन वेरी सिंपली से कि भैया अगर इतना ही बड़ा ले रहे हैं तो आई कैन सिंपली से कि डी यू नॉट अपॉन डी एन, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा दैट इज थ्री अल्फा एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ट्वेल्व. और ये एल सी ये चला जाएगा, चार बचेगा, तो इट इज अगेन अल्फा एन स्क्वायर अपॉन फोर एल स्क्वायर. और एक अच्छी गजब की बात यही देखने वाली है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो एग्जैक्टली वन आता है. तो अगर मैं हाईएस्ट एनर्जी लेवल मतलब एनर्जी लेवल ऑफ एन बाई टू का रेशियो ले लूं डी यू नॉट अपॉन डी एन के रिस्पेक्ट में तो इट कम्स आउट टू बी वन, इट कम्स आउट टू बी वन. देखो भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताएं, कोई परेशानी बच्चों. अब आता है इसका लास्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग तरीके का है. वी अज्यूम वंस अगेन दैट एन इज लार्ज, हम दोबारा मानते हैं कि एन लार्ज है. कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअल ऑफ लेंथ एल विद कॉन्स्टेंट लीनियर डेंसिटी यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम यू जी अज्यूम दैट इट डिपेंड्स ऑन इट्स टोटल मास. अब ये इन्होंने अलग डायमेंशनल एनालिसिस क्वेश्चन पूछ दिया एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन को देखते हुए. इट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, तो यू जी को आप मान सकते हैं जी की पावर ए पे डिपेंडेंट है एंड एल की पावर बी पे डिपेंडेंट है. जी की पावर ए और एल की पावर बी. अब आप यहां से सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकालेंगे. धवन तुम पिटोगे ना, लायक आदमी भाग गए तुम, पढ़ी नहीं क्लास ये पूरी, इतना इंपॉर्टेंट था ये. और ये सेशन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी ओलंपियाड एस्पिरेंट्स, लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए ये. इसमें टनलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज होती है. अभी टनलिंग पर बेस्ड क्वेश्चन अगली बार करेंगे, मैं अभी उस पर उस कंसेप्ट पे कंसेप्ट ऑफ टनलिंग जो है उस पर क्वेश्चन कम आए हैं. जैसे एक बहुत बेसिक सी चीज है, जैसे आपसे पूछा जाए कंसेप्ट टर्निंग को, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ बस, और क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस पर, तो ये आप इजीली कर लेंगे, इसमें कुछ खास है नहीं. जो कंसेप्ट था वो ओवर हो चुका है, इट इज सिंपली बेस्ड ऑन डायमेंशनल एनालिसिस, आई थिंक यू आर एबल टू डू इट. अब एक छोटा सा कंसेप्ट जो आप सभी को फोकस करना चाहिए जो आ सकता है ऐसे क्वेश्चन में, दैट इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ टनलिंग. और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, जैसे आपसे बोल दिया जाए, और ये मॉडर्न फिजिक्स का एक बड़ा ही एब्सर्ड सा फिनोमेना है. आपने कहा कि सर देखो यहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इस
पहाड़ को क्रॉस करने के लिए बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है, मान लीजिए इस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए 1000 जूल चाहिए, और यहां पर जितने भी पार्टिकल है उन सभी के पास एनर्जी 500 जूल से भी कम है, तो बताओ कितने पार्टिकल इसको क्रॉस करके यहां पर आ पाएंगे, हाउ मेनी पार्टिकल विल कम ओवर यू। तो आप बहुत सिंपल सी चीज बोलेंगे कि सर देखो बेस्ड ऑन द न्यूटोनियन मैकेनिक्स हम लोग इतनी फालतू बात करते हैं, हम तो सीधे बोलते हैं कि भैया जब है ही नहीं तो कोई क्रॉस करेगा ही नहीं। ये एक जनरल सा फिनोमिना होता है जो न्यूटोनियन के हिसाब से बोलोगे, बेस्ड ऑन न्यूटोनियन कंसेप्ट और क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग बोलते हैं, तो क्लासिकल वाला बंदा सीधे बोलेगा कि भैया कोई भी पार्टिकल यहां से नहीं आ सकता, बट इन द रियल केस माइक्रोस्कोपिक वे में देखा जाता है तो कई सारे पार्टिकल यहां पर मिलते हैं। यहां पर उनकी एनर्जी 500 जूल की थी लेकिन वो एनर्जी बैरियर बिना क्रॉस किए यहां आ जाते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज द कंसेप्ट ऑफ टनलिंग, कि साले बीच की टनल बना के चले जाते हैं लोग, ये पार्टिकल यहां से टनल से घुस जाते हैं। अब ये कंसेप्ट ऑफ टनलिंग कहां से होता है ये आपको पढ़ना है, इसके बारे में सोचना है, थिंक करना है, नई नई चीजें सीखनी है, और इस पर एक क्लास भी मैं प्लान करूंगा और कंसेप्ट ऑफ टनलिंग को भी समझाएंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है उस पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा INPHO के लिए, और बाकी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ था दैट इज बेस्ड ऑन मैकेनिक्स INPHO 2019 का थर्ड क्वेश्चन जो था वो मैकेनिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन था, इट इज नॉट डिफिकल्ट वन, अगेन मैं बोलूंगा कि वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019 का थर्ड क्वेश्चन जो है जिसमें रस्सी को ऊपर से ऐसे खींच रहे, यही एक क्वेश्चन 2012 के लगभग कुछ आया था जब रस्सी को ऐसे घुमा के उठा रहे थे, ये क्वेश्चन बहुत फेमस हुआ क्वेश्चन है, इसको धीरे धीरे किसी वेलोसिटी वी से उठाया जा रहा था एक रस्सी को इस तरीके से, और इसमें भी जो यहाँ कंसेप्ट है वही कंसेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स हैं ये आप सभी को करनी चाहिए, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है INPHO के, इसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों फॉर ज्वाइन सेशन, IOQP पार्ट टू में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, IOQP पार्ट टू में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।